हेलो गाइस, दिस इज सीए कन्हैया मणियार। हम लोग पढ़ रहे हैं सीए इंटर डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। लास्ट लेक्चर के अंदर अपना चैप्टर वन बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो गया था और अपन ने नया चैप्टर चालू किया था रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर मैंने आपको सेक्शन 5 पढ़ाया था, स्कोप ऑफ इनकम। मैंने बोला था हर एसएससी के दो स्टेटस होते हैं, एक लीगल स्टेटस और एक रेजिडेंशियल स्टेटस। लीगल स्टेटस किस लिए काम में आता है? टैक्स रेट पता करने के लिए। रेजिडेंशियल स्टेटस किस लिए काम में आता है? इनकम पता करने के लिए, कौन सी इनकम टैक्सेबल है। रेजिडेंशियल स्टेटस आर एंड ओ आर, आर एन ओ आर एंड एन आर, बराबर। फिर मैंने आपको बोला था कि ये जो हम देख रहे हैं मतलब स्टेटस, इसमें इनकम कैसे टैक्स होती है, अगर इंडिया में एक्रू हो गई या रिसीव हो गई तो इंडिया में टैक्सेबल है, बराबर, भले दूसरी चीज यहाँ हो या ना हो। फिर अगर समझो कोई इनकम है, बराबर, वो एक्रू भी बाहर हुई, रिसीव भी बाहर हुई, पर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो कहाँ पे टैक्स होगी, बराबर। उसके बाद अगर कोई ना रिसीव्ड इंडिया, ना कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ना एक्रूड इंडिया, कुछ नहीं है, तो क्योंकि वो आर ओ आर के हाथ में कौन सा टैक्स लगता है? ग्लोबल टैक्सेशन, करेक्ट। रेमिटेंस कभी भी इनकम नहीं होता है। फिर मैंने आपको बताया था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस में अगर बेसिक कंडीशन 1 या 2 या बोथ फुलफिल की तो रेजिडेंट, एक भी फुलफिल नहीं की तो नॉन रेजिडेंट। बेसिक कंडीशन 1 शुड स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। फिर सेकेंड बेसिक कंडीशन शुड स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग फोर प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। फोर प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब पीछे वाले 4 साल के अंदर, बराबर। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि जो बेसिक कंडीशन 2 है, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और फॉर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। दूसरा, इन एनी इंडिविजुअल हु इज इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु स्टेज आउटसाइड इंडिया कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, करेक्ट। अच्छा, ये जो सेकंड वाला है इसमें एक नीचे एक्सेप्शन दिया है कि इन केस ऑफ सच इंडिविजुअल हु इज इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज एक्सीड ₹15 lakhs शैल बी रिगार्डेड एज रेजिडेंट इफ ही स्टेज फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर और इफ ही स्टेज फॉर 120 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द फोर प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। वेरी क्लियर। फिर इसके बाद में अपन ने देखा था कि डीम्ड रेसिडेंट क्या होता है, वेयर एनी इंडियन सिटीजन स्टेज आउटसाइड इंडिया या कहीं पर भी एंड ही हैज नो सिटीजनशिप एक्सेट्रा डोमिसाइल ऑफ अदर कंट्री, देन इन दैट केस इफ हिज इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज एक्सीड 15 lakh ही विल बी डीम्ड एज रेसिडेंट, सेक्शन 6(1)(a)(1A), बहुत इंपॉर्टेंट वो। फिर उसके बाद अपने बोला था वंस एन इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट ही शैल बी रिगार्डेड एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ ही फुलफिल वन और बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन, करेक्ट। अगर समझो पहली एडिशनल कंडीशन क्या थी, ही शुड बी इन इंडिया फॉर 729 और लेस डेज ड्यूरिंग दिस 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ही शुड बी रेजिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, करेक्ट। फिर उसके बाद में मैंने बोला था कि इसी चीज को हम उल्टे वे से भी बोल सकते हैं, एडिशनल कंडीशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उस केस में कैसे रहेगा, ही शुड बी इन इंडिया फॉर 730 और मोर डेज ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड शुड बी रेसिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। हाँ या ना, ऐसा कुछ बोला था आपको, ऐसा मैंने आपको पढ़ा दिया था, यहाँ तक आपको याद है कि नहीं याद है, सब पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं? देखो, आप पढ़ के नहीं आओगे आप अपना ही नुकसान करोगे, इसलिए हमेशा पढ़ के आया करो। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था एवरीबडी, तो चलो एक एग्जाम्पल करें इसके ऊपर, एक क्वेश्चन करें ताकि आपको समझे कैसे आंसर्स लिखने का। ये देखो ब्रेटली करके दिख रहा है, दिखा, ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट इंडिया फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, दिस हैज बीन इन प्रैक्टिस फ्रॉम लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर, फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। अभी हर साल 100 दिन रहता है, करेक्ट, तो हमारे प्रीवियस ईयर में भी कितना दिन है, 100 दिन, पीछे के 4 साल में भी कितना, 400 दिन, तो इसने बेसिक कंडीशन 2 फुलफिल कर दी,
तो ये क्या हो गया रेसिडेंट, बराबर। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी कि ही शुड फुलफिल दैट टू एडिशनल कंडीशंस में से कोई एक या दोनों, बराबर। अगर हम नॉट ऑर्डनरी के हिसाब से सोचें तो, अगर ऑर्डनरी के हिसाब से सोचते तो दोनों फुलफिल करने चाहिए, तो अगर हम उसके हिसाब से सोचें तो हमको टेबल बना के चेक करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ही विल बी नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट बिकॉज वो 9 out of 10 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप देखो ऐसे टेबल बना के चेक कर सकते हो। देखो प्रीवियस ईयर, हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुए ना। हर साल वो कितने दिन रहता है, 100। तो अभी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, करेक्ट। पहले साल रेजिडेंट है, रेजिडेंट रेजिडेंट रेजिडेंट, बरोबर। एटलीस्ट 6 साल में तो रेजिडेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि बेसिक कंडीशन 2 फुलफिल कर रहा है, खुद के प्रीवियस ईयर में 100 दिन, पीछे के 4 साल में 400 दिन रह रहा है 365 की जगह पे। तो जब तक 4 रहेंगे, मतलब ये वो जो 9 out of 10 है वो भी फुलफिल नहीं कर रहा है, बट उसने कौन सी फुलफिल कर दी, लेस देन 729 डेज वाली, करेक्ट। नॉट ऑर्डनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो दो एडिशनल कंडीशन है ना, शुड स्टे फॉर 729 और लेस डेज, तो 7 साल में 700 दिन रह गया वो, मतलब उसने वो कंडीशन फुलफिल कर दी, मतलब वन ऑफ द एडिशनल कंडीशन हैज बीन फुलफिल्ड, सो ही विल बी नॉट ऑर्डनरी। अब आप ऑर्डनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो भी सेम आंसर आएगा, ऑर्डनरी में क्या बोलता है वो, 730 या उससे ज़्यादा, 730 दिन नहीं रह रहा है तो कंडीशन फुलफिल, करेक्ट। लेकिन वो सेकेंड कंडीशन फुलफिल, करेक्ट, कौन सी वाली, दो 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 पीएस में रेजिडेंट होना चाहिए, पर ऑर्डिनरी में क्या बोलता है, दोनों फुलफिल करेगा तो दोनों फुलफिल, तो क्या हो गया, नॉट ऑर्डिनरी, बरोबर। आर एंड एन ओ आर, बरोबर, समझे क्या। वापिस बोलता हूँ मनन अंकल, ध्यान से सुनो, आपके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी आप ध्यान से सुन लो वापस। एडिशनल कंडीशन कितनी है, 2 है, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, पहले ही सोच लो, कोई भी एक पकड़ो, दोनों नहीं, ऑर्डिनरी वाली करनी है, कंफर्म। ऑर्डिनरी की कंडीशन कौन सी है एडिशनल साल में, और दूसरी गलत, देखा, वही नहीं पता है तो कैसे पता रहेगा। एडिशनल कंडीशन क्या है ऑर्डिनरी की, हाँ, और दूसरी टू ईयर्स में रेजिडेंट होना चाहिए 10 में से। अब बताओ, आपको जब पता ही नहीं है तो कैसे आपको समझेगा आंसर, बरोबर। तो अभी देखो, इसने 7 साल में 700 दिन है, मतलब 730 दिन नहीं है, मतलब एडिशनल कंडीशन फुलफिल, जबकि ऑर्डिनरी में दोनों फुलफिल करनी चाहिए, तो उसने एक तो फुलफिल की ही नहीं, दूसरी भले ही फुलफिल कर दी उससे कुछ फर्क, तो क्या हो गया वो, नॉट ऑर्डिनरी, समझे। अच्छा, अभी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, नॉट ऑर्डनरी के हिसाब से, आप मत देखो, हम बाकी लोग भी बात कर रहे हैं। तो नॉट ऑर्डनरी की एडिशनल कंडीशन क्या है, नॉट ऑर्डनरी के लिए एडिशनल कंडीशन क्या है, नहीं पढ़ा ना, शीट से क्या मतलब है, मांग के लेके जाओ, अभी देखो भूमि ने ली ना उससे शीट, मॉड्यूल में भी सेम कंडीशन दी है। मिस्टर दहरी है, नॉट ऑर्डनरी के लिए बरोबर, अभी देखो इसने लास्ट 7 साल में कितने साल कितने दिन रहा है, 700 डेज, मतलब वो पहली कंडीशन नॉट ऑर्डिनरी वाली फुलफिल कर दी, और नॉट ऑर्डिनरी में क्या बोलता है, एक फुलफिल करो या दोनों फुलफिल करो, बरोबर। तो एक फुलफिल कर दी तो क्या हो गया, नॉट ऑर्डिनरी। तो देखो आंसर दोनों से सेम आता है, आपको कोई भी एक वे से करना आप ना, मैं इसलिए कल भी बोला था एक ही चीज पढ़नी है, लेकिन आप डिसाइड कर लो कौन सी पढ़नी,
ऑर्डनरी पढ़नी है तो ऑर्डनरी के हिसाब से, नॉट ऑर्डनरी पढ़नी है नॉट ऑर्डनरी, मेरे इसमें आंसर सब नॉट ऑर्डनरी के हिसाब से रहेंगे, बरोबर। आपको जो ठीक लगे। अभी देखो पहले वाले में वो क्या रहेगा, आर एंड एन ओ आर, बरोबर। अच्छा, वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट रिलेट टू श्रीनाथ एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइड्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। अच्छा, पहले ए वाले का आंसर रीड कर लो। देखो नीचे ए वाले का आंसर लिखा है मैंने, दिखा, ए वाले का पूरा आंसर रीड करो तो आपको समझेगा आंसर कैसे लिखते हैं। ये देखो यहां से पूरा ए वाले का शीट लेके आओ आप जाके पुनीत से। ओ हाँ, इधर से पढ़ रहे, ठीक है, पर यू नीड टू टेक शीट ना भाई, भूमि ने कैसे ले भी, जाओ ले आओ, उसके पास पड़ी है भी शीट। ये देखो, लेके शीट लेने नहीं जाऊंगे, मतलब यानी आपके पास है नहीं, आपको मिल गई है शीट, शीट मिल गई है, नहीं मिली है तो उससे लो जाके, अभी दे देगा वो, जाओ। आपको जाने में क्या तकलीफ है मुझे बताओ, चलो चलो रीड करो आंसर ए वाले का। ऐसे ही आंसर लिखने को आना चाहिए आपको। रिकॉर्डेड वालों, लाइव वालों, आपको स्क्रीन पे दिखाया, रीड कर लो उसमें से। पेज नंबर 7 पे है, वाह ए वाला आंसर रीड करके, वाह सबका ए वाला आंसर रीड करके, अक्षत हुआ क्या, तो वैसे ही एग्जाम में आंसर लिखने का रहता है। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो उसको बताना तो पड़ेगा आपको कि आपको कितना आता है, तो आपको लॉजिक बताना पड़ेगा कि रेजिडेंट कब बोलते हैं। अभी न्यू पोर्शन आ गया है पेपर पैटर्न, पहले 16 का आता था। अभी आपको पढ़ना है, अभी कितने का आ सकता है वो अभी नहीं सोचना है, वो पूरा पोर्शन होने के बाद सोचना है। अच्छा, अभी मैं बोल दूं 2 मार्क का आएगा तो नहीं लिखोगे, ये 12th एग्जाम नहीं है, आप बार बार समझो, ये सीए एग्जाम है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, ये लोग पैटर्न चेंज कर देते हैं कभी कभी। आप हमेशा देखोगे कि जो क्वेश्चन हमेशा 2-2 मार्क के लिए आते थे, अचानक 16 मार्क के लिए आ जाता है, तो आप ये सोचो मत, आपको पढ़ते समय पूरा पढ़ना है, ये सोच के नहीं पढ़ना है कि 2 मार्क के लिए पढ़ू या 4 मार्क के लिए पढ़ू, पहली बार हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना है, और जब एक बार पढ़ के हो जाता है फिर अपन पास्ट पेपर सॉल्व करने का, फिर जब पास्ट पेपर सॉल्व करोगे तब आपको समझेगा कि आंसर कैसे लिखने का। एक ही क्वेश्चन 4 मार्क के लिए भी पूछते हैं कभी कभी, वो अगले एग्जाम में 10 मार्क के लिए पूछेंगे, कोई एग्जाम में 12 मार्क के लिए पूछेंगे, तो आपको हर आंसर को हर वे में लिखने को आना चाहिए कि अगर 4 मार्क में पूछा तो कितना लिखना है, 8 मार्क में कितना लिखना है, 12 मार्क में कितना लिखना है, तो पढ़ते समय पूरा अच्छे से पढ़ना है, पढ़ते समय कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इधर वही तो किया है, पहले रिलेवेंट प्रोविजन लिखा है, बाद में क्वेश्चन के फैक्ट्स और आंसर। वह रीड करके बी वाला पार्ट क्वेश्चन का पढ़ो, देखो क्या दिया है। Would your answer change if the above fact relate to Srinath, an Indian citizen who resides in Australia and represent Australian cricket? इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडियन सिटीजन है, मतलब इंडिया का पर्सन है, मतलब इंडिया छोड़ के बाहर गया है, बाहर गया है मतलब एक्सेप्शन 1 में आता है, एक्सेप्शन 1 में आता है मतलब
हाँ, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है वो, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है मतलब वो इंडिया में रेजिडेंट होना है, तो एक ही कंडीशन है, 182 डेज वाली रे। तो सेकंड वाली एप्लीकेबल रही है ना। आ जाओ नीचे आंसर रीड करें। इफ द अबाउ फैक्ट रिलेट टू मिस्टर श्रीनाथ एन इंडियन सिटीजन हु इज रिसाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया कम्स ऑन अ विजिट, ही वुड बी ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज सिंस ही स्टे इन इंडिया इन करंट फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 120 डेज। फिर थर्ड 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 सी वाला, नॉन रेजिडेंट हो गया ना, नॉन रेजिडेंट हो गया तो फिर तो आगे देखना ही नहीं है हमको। नॉन रेजिडेंट हो गया तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी की बात ही नहीं आती है। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी की बात कब आती है? ते रेजिडेंट है अभी। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ हैज विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज इंस्टेड ऑफ 100 डेज एवरी ईयर ड्यूरिंग इंक्लूडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो ये देखो सी वाला पार्ट, इन दिस केस इफ श्रीनाथ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस एक्सीड रुपीज ही वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट बट नॉट करेक्ट इन इंडिया सिंस हिज स्टे इज 120 डेज एंड 480 डेज इन द इमीडिएटली फोर प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। वेरी क्लियर। इफ हिज इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख ही वुड बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट सिंस हिज स्टे इन इंडिया इज लेस देन 182 डेज। वेरी क्लियर। अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हुई इंडियन सोर्सेस से और वो 120 दिन रहता है तो रेजिडेंट हो जाएगा, बट नॉट ऑर्डनरी, क्योंकि वैसे वाला हमेशा नॉट ऑर्डनरी होता है। लेकिन अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है तब तो नॉन रेजिडेंट ही रहेगा, क्योंकि जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है उसको तो 182 डेज ही रहना पड़ेगा। बरोबर। एक बार पूरा आंसर वापस से रीड कर लो अच्छे से। वो तो उसमें आ गया ना एक्सेप्शन वाले में, कि इंडिया से काम छोड़ के गया तो ये उसमें गिरता है ना। पर आप समझे नहीं, इंडियन सिटीजनशिप है इसके पास, इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहेगा तब तो यहां का क्वेश्चन ही नहीं आता है। फिर तो डीम रेजिडेंट के लिए इंडियन सिटीजन तो जरूरी है, इंडियन सिटीजन तो होना जरूरी है। इंडिया में नहीं आया है वो, तो इंडियन सिटीजन है तो बाहर गया खेलने। हाँ तो इंडियन सिटीजन है ही नहीं ना वो, इंडियन सिटीजन का इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। आपको इनकम टैक्स के हिसाब से इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलती है, इंडियन सिटीजनशिप आपके बर्थ से मिलती है आपको। आप इंडिया में बॉर्न हो इसलिए आप इंडियन सिटीजन हो, और इनकम टैक्स नहीं होता तो भी आप इंडियन सिटीजन हो। तो इंडियन सिटीजनशिप गवर्नमेंट दे रही है हमको, तो उसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इनकम टैक्स के हिसाब से इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलती है। अगर रेजिडेंट है तो जो इंडिया में कमाएगा टैक्स नहीं लगेगा। रेजिडेंट के हाथ में कौन सी इनकम टैक्स होती है? तो आपने तो आंसर बोल दिया, इंडिया में एक्रू रिसीव होगी तभी टैक्स होगा ना। आप ही तो बोले अभी, मैं कहाँ बोला? हाँ बोलो बोलो पूरा बोलो। वो तो क्या, तो वो कौन से देश का है वो? तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसको बोलेगी ना, मैं क्यों बोलूंगा? ये हम कानून इंडिया का पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का नहीं पढ़ रहे हैं। जब इंडिया में कमाएगा तो भरना ही पड़ेगा ना भाई। आप अभी मैं महाराष्ट्र में जाऊं रहने के लिए तो वहां के कायदे कानून फॉलो नहीं करने पड़ेंगे मेरे को? महाराष्ट्र में रूल होता है जैसे कि आप दुकान पे बोर्ड लगाते हो तो आपको मराठी में बोर्ड भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज मराठी है। हम लगाते हैं ना, हम लोग मराठी बोर्ड और इंग्लिश बोर्ड दोनों लगाते हैं हम लोग। तो तुम जिस जगह रहोगे वहाँ के कानून फॉलो नहीं करोगे? आप चाइना जाओगे तो टीका लगाना अलाउड नहीं है, आप ये टीका नहीं लगा सकते हो चाइना में। यू कैन नॉट डिस्प्ले योर रिलीजन।
समझे, तो हर देश का कानून है ना वो, उससे क्या फर्क पड़ता है वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। ऐसा थोड़ी कि ऑस्ट्रेलिया वाला है, इंडिया में कमाएगा तो हम टैक्स देंगे, तो इंडिया वाले सब ऑस्ट्रेलिया जाके कमाना चालू हो जाएंगे, तो क्या इंडिया में टैक्स नहीं देंगे वो? और कुछ समझा बराबर से? इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, बाकी एसएससी का पढ़ना चालू करें। चलिए आइए, अभी हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। किसका पढ़ेंगे? देखो दिख रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अभी ध्यान से सुनो, इधर प्लीज फोकस यहाँ पे, और जिसको नोट्स पढ़ना है वो नोट्स पढ़े, मेरी तरफ ध्यान ना देवे, और जिसको मेरी तरफ ध्यान देना है सिर्फ मेरी तरफ ही ध्यान देवे। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उसका उसका बराबर पार्टली इंडिया से है या होली इंडिया से, कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज पार्टली और होली फ्रॉम, देन इन दैट केस इट इज रिगार्डेड एज रेसिडेंट, तो क्या मानी जाती है? करे, इफ कंट्रोल इज फुल्ली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, फुल्ली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, देन इट इज रिगार्ड एज करेक्ट। ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी विल डिपेंड अपॉन कर्ता, ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी विल डिपेंड अपॉन, इफ कर्ता फुलफिल्स एडिशनल कंडीशंस ऑफ नॉट ऑर्डनरी देन द एचयूएफ विल आल्सो बी नॉट ऑर्डनरी। वेरी क्लियर। सो ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी डिसाइडेड बाय द कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस फुलफिल्ड बाय कर्ता। वेरी क्लियर, कोई शक कोई डाउट? समझाइए, ये देखो यहाँ पे थियरी लिखी है, नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है, बरोबर? जरा रीड कीजिए कि पहले आप पहले ये रीड कीजिए, फिर एओपी बीआई सब पढ़ा हुआ सबका। अच्छा अभी देखो इसमें लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला है उसने अपने को, कि कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? डिफैक्टो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? डिफैक्टो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, बरोबर? व्हाट डू यू मीन बाय डिफैक्टो कंट्रोल और मैनेजमेंट? जैसे सपोज करो अभी मेरी पापा की एचयूएफ है, मेरे पापा की एचयूएफ में मेरे पापा करता है, लेकिन सब काम मैं ही करता हूँ, तो अपन कभी बोलेंगे कि कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है जब मैं इंडिया में, अगर मैं इंडिया में नहीं तो कंट्रोल मैनेजमेंट भी इंडिया में, तो जहां पे ब्रेन, जहां पे मेन जो डिसीजन लेने वाला है, जहां पर वो रहेगा वहीं पे कंट्रोल मैनेजमेंट रहेगा, तो इट इज नॉट जस्ट राइट टू कंट्रोल, इट इज एक्चुअल कंट्रोल विच वी नीड टू सी, जस्ट नॉट राइट टू कंट्रोल, द एक्चुअल कंट्रोल वी नीड टू सी। मतलब राइट टू कंट्रोल किसके पास है? मेरे पप्पा के पास, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो जहां मैं रहूंगा वहां कंट्रोल रहेगा, समझे? वो उसका मीनिंग होता है। ये समझा सबको? एग्जाम्पल समझा बराबर से? अच्छा इसके बाद पार्टनरशिप फर्म, एओपी बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये जो एसएससीज है, पार्टनरशिप फर्म, एओपी बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सबके केस के अंदर सिर्फ दो ही कैटेगरी होती है, रेसिडेंट एंड नॉट रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। यहाँ पे ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी करके कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी करके, तो इन लोगों में रेजिडेंट मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब बरोबर, रेजिडेंट मतलब नॉट ऑर्डनरी करके कोई कैटेगरी, बरोबर? अब इन लोगों में क्या बोलते हैं? अगर कंट्रोल होली, कंट्रोल होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल इज होली और फ्रॉम इंडिया, बरोबर, तो दे विल बी रिगार्डेड एज रेसिडेंट, लेकिन कंट्रोल होली बाहर है तो नॉन रेसिडेंट, होली बाहर है तो, समझे क्या? बरोबर से। फिर इसके बाद आता है कंपनी, कंपनी के केस में इंडियन कंपनी विल ऑलवेज बी रेसिडेंट, इंडियन कंपनी विल ऑलवेज बी। इसके अलावा जो कंपनीज है अगर उनका पोएम इंडिया में है, उनका पोएम, पोएम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पोएम। अगर किसी भी कंपनी का पोएम इंडिया में है तो वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। मतलब एनी कंपनी या फॉलोइंग कंपनी शैल बी रिगार्डेड एज रेसिडेंट, नंबर वन इंडियन कंपनी, नंबर टू कंपनी हुज पोएम इज इन इंडिया। व्हाट इज पोएम? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ
प्लेस ऑफ, बरोबर समझे, मतलब जो मेन काम हो रहा है, जो मेन मैनेज कर रहे हैं डायरेक्टर वगैरह, वो इंडिया के अंदर है, तो हम बोलेंगे कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है उस कंपनी के। ऑब्वियसली मेन मेन डायरेक्टर, मेन डायरेक्टर, बरोबर समझे, बोलो। जी, बराबर, हाँ तो ऑब्वियसली 0 दिन हो गए, 7 साल में 0 दिन हो गए ना, फिर प्रीवियस ईयर के पीछे के 7 साल में 0 दिन इंडिया में है ना, 0 मतलब 729 से लेस ना, तो नॉट ऑर्डिनरी हुआ ना, समझे, समझा, और कुछ डाउट, एक बार ये दोनों रीड करो, कंपनी का और एओपी पीवाई का। रीड कीजिए जल्दी जल्दी सब जन। यहाँ तक समझा बराबर से, अपन ने सब टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस देख लिए, करेक्ट। अच्छा अभी पीछे आइए, पेज नंबर 4 पे, दिखा। अभी बहुत सारे लोग जो शिप में काम करते हैं, तो उनके लिए नंबर ऑफ डेज वो इंडिया में थे कैसे डिटरमाइन होगा, उसके लिए उन्होंने ये एक सर्कुलर इशू किया है कि भाई वहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन होता है, और उस रजिस्टर के अंदर जिस दिन वो शिप पे जाते हैं वो तारीख लिखी जाती है, और जिस दिन वहाँ से रिलीज होते हैं वो तारीख लिखी जाती है, तो उतना जो पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, और बचा हुआ पीरियड ही उनके डेज में इंक्लूड होगा, ये पता करने के लिए कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। वेरी क्लियर, समझे। देखो, इन केस ऑफ अ फॉरिन बाउंड शिप वेयर डेस्टिनेशन ऑफ वॉयेज इज आउटसाइड इंडिया, देयर इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द मैनर एंड बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर। ये समझा, कोई इंडियन सिटीजन ऐसे फॉरिन शिप का क्रू मेंबर है, तो उसके नंबर ऑफ डेज हम कैसे पता लगाए। टू रिमूव दिस अनसर्टेनिटी, एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 6(1) provides that in case of an individual being a citizen of India and member of crew of Indian bound ship leaving India, the period and periods of stay in India shall in respect of such voyage be determined in the prescribed manner and subject to prescribed condition. Accordingly, the CBDT has via notification inserted rule 126 in the income tax rule to compute period of stay. According to rule 126, the period of section for the purpose of section 6(1) in case of an individual being a citizen of India and a member of crew of a ship, the period or periods of stay in India shall in respect of an eligible voyage not include the following period. Usme following period include nahi hoga, ye samjha, usme following period include नहीं होगा, बरोबर समझे। कौन सा रूल है? रूल 126। फिर उसके बाद पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम डेट एंटर्ड इन द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइनिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइनिंग ऑफ द वॉयज, एंड डेट एंटर्ड इन कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ, मतलब एक क्या है जॉइनिंग, दूसरा क्या है, ये देखो जॉइनिंग साइनिंग ऑफ, इसके बीच का पीरियड हमारे डेज में इंक्लूड नहीं होगा, समझे क्या ये बात, क्या बोल रहे हो, नहीं होगी दोनों डेट्स, उस दिन से लेके उस दिन तक नहीं होगा,
जी। आगे देखो, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये है ना वो मर्चेंट नेवी वाले जो रहते हैं वो इशू करते हैं। एलिजिबल वॉयज, अ वॉयज अंडरटेकन बाय शिप एंगेज इन कैरेज ऑफ पैसेंजर और फ्रेट इन इंटरनेशनल ट्रैफिक, वेयर फॉर द वॉयज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया हैज इट्स डेस्टिनेशन एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया, एंड फॉर वॉयज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया हैज इट्स डेस्टिनेशन इन इंडिया। मतलब इन सिंपल भाषा इट इज अ फॉरिन शिप, क्योंकि यहाँ से चालू हुआ तो कोई फॉरिन में जाके रुकेगा, फॉरिन से चालू हुआ तो यहाँ रुकेगा। मिस्टर केवल इज एन इंडियन सिटीजन, अ मेंबर ऑफ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप एंगेज इन कैरेज ऑफ पैसेंजर इंटरनेशनल ट्रैफिक फ्रॉम चेन्नई ऑन 6 जून, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर डिटरमाइंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर केवल, एज्यूमिंग दैट इज स्टे इन इंडिया फॉर लास्ट 4 ईयर इज 400 डेज। डेट ऑफ एंट्रिंग इन कंटिन्यूस डिस्चार्ज एज ज्वाइनिंग, 6 जून को ज्वाइन हुआ है। देखो 6 जून को ज्वाइन हुआ है, बरोबर, ये उसकी ज्वाइनिंग डेट है। डेट ऑन विच डिस्चार्ज, तो किस दिन बाहर निकला है, 9 दिसंबर। अब डेज काउंट करो, 6 जून से 9 दिसंबर के बीच में कितने दिन वो उधर शिप पे था, जून के 25 दिन, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, जनवरी के 9, 187 आ रहा है कुछ, 180, बरोबर। तो 365 में से 187 हटा दो, बरोबर। अच्छा अभी इसमें एक्चुअली 366 होना चाहिए, क्योंकि अपना लीप ईयर है ना, अपना लीप ईयर है, तो ये क्या होना चाहिए, ये 366 कर दो, इधर करेक्शन करके 366 माइनस 187, हाँ 23-24 लीप ईयर है ना अपना प्रीवियस ईयर, अपना ही साल के लिए कर रहे हैं अपन, तो ये 179 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 179, ये 178 की जगह 179 करो, यहाँ 366 करो, बराबर बराबर। देखो ना 366 डेज था इंडिया के अंदर, वो टोटल साल में कितने दिन है, 366 डेज है ना, तो 366 डेज थ्री माइनस 179, अभी 187 सॉरी, 366 माइनस 187 डेज, तो 179 डेज हो गए ना इंडिया में वो। हाँ अब इंडिया में ये इतने दिन है, प्लस प्लस पीछे के 4 साल में 400 दिन है, वो क्वेश्चन में दिया है ना ऊपर, ये देखो ना, दिया है ना। अब रेजिडेंशियल होने के लिए कितनी कंडीशन होती है, कौन सी दूसरी, तो ए भाई आप नया नया इन्वेंशन कर रहे हो, रेजिडेंस रेजिडेंट होने के लिए कितनी कंडीशन होती है, मैं ना यहां से अभी मैं अभी आज पुनीत को बोलने वाला हूं, यहां 5-10 पत्थर लाके रखो, मैं ऐसे मार मार के इसको फेंकने वाला हूं मैं, मारो इसको, एक एक, एक थप्पड़ मारो इसको, भूमि बोलो तो कौन सी दो बेसिक कंडीशन है रेसिडेंट होने के लिए, दो बेसिक कंडीशन, आपने बोला 182 डेज प्लस 365 डेज, अभी बोला इसने, जबकि 365 के साथ 60 डेज है, आप गलत बोल रहे हो, अपनी गलती मान लो, आप ना हर बार ना नया आंसर इन्वेंट कर रहे हो,
इसका मतलब आप बरोबर नहीं पढ़ रहे हो, नया ही कुछ बना के बोल रहे हो मुझे, मतलब तुक्के में अपने आंसर करेक्ट हो रहे हैं। मैं भी आज अविनाश सर को बोलने वाला हूँ, ये मनन नहीं पड़ता है, आज कंफर्म उनको आपकी कंप्लेंट जाने वाली है। हाँ ये समझा आपने को, डेज समझे बरोबर, तो अभी वो इंडिया में 182 डेज से लेस है, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आएगा, तो 182 डेज से लेस है, लेस है तो बरोबर। यहां तक अभी देखो मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस हो चुका है, पेज नंबर 10 तक अपना रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड वाली एप्लीकेबल ही नहीं है ना भाई, आप लोग को ना थोड़ा पढ़ना पड़ेगा भाई, आप लोग ना मुझे पूरा विश्वास है आप बरोबर रिवाइज करके नहीं आते, मैं 101% श्योर हूँ, क्योंकि सेम कंडीशन बार बार आती है तो भी आपको याद नहीं आ रही है, यू आर नॉट एबल टू रिवाइज। याद होने से कुछ नहीं होता है, अप्लाई कहाँ करना है, अभी आपको किसी ने सिखा दिया बंदूक कैसे चलाना, लेकिन ये नहीं मालूम कब चलानी है, तो फिर क्या फायदा सिखाने का, ऐसे थोड़ी होता है। चलो आओ अभी अपना रेजिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट खत्म, फिर अपन रेजिडेंशियल स्टेटस के सम्स करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे, अभी थोड़ा कुछ नया पढ़ लेते हैं अपन। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस ढूंढ सकते हो ना, पक्की बात सोच लो, मैं आंसर लिखवाऊंगा आपसे, आ जाओ सेक्शन 7। अभी देखो अपना सेक्शन 5 हो गया और सेक्शन 6 हो गया, करेक्ट, अभी बाकी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 7, 8 और 9। सेक्शन 7 बोलता है डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, सेक्शन 7 क्या बोलता है, सेक्शन 7 क्या बोलता है, सेक्शन 7 क्या बोलता है बरोबर। अच्छा अब डीम्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डीम्ड वर्ड माना जाता है बरोबर, कुछ एग्जांपल दूं आपको माने जाने का मतलब, जैसे सपोज करो कि आज आपने सोचा कि हम कोई क्लास नहीं आएंगे, लेक्चर था 10 बजे से 6 बजे तक मेरा और आप नहीं आए, तो जो जो मैं उसमें पढ़ा सकता था वो सब डीम्ड टू बी कंप्लीटेड, मतलब चीज नहीं हुई फिर भी उसको मान लिया गया कि वो हो गई, वैसे ही डीम टू रिसीव मतलब कोई इनकम हमको ऐसे फील नहीं हो रहा कि इंडिया में रिसीव हुई कि नहीं हुई, पर उन्होंने बोला हम मान लेंगे कि इंडिया में रिसीव हो गई है, आया ना। अभी इसमें पहला देखो, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ लिमिट स्पेसिफाइड, ये हम ना सैलरी में पढ़ने वाले हैं, प्रोविडेंट फंड किस में पढ़ेंगे हम लोग, जब सैलरी पढ़ेंगे तो वहाँ अलग अलग टाइप के प्रोविडेंट फंड आएंगे, तो वहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि प्रोविडेंट फंड में कभी टैक्स होता है, मतलब एम्प्लॉयर जब प्रोविडेंट फंड में पैसा डालता है तो अगर एम्प्लॉयर सैलरी के 12% से ज्यादा पैसा प्रोविडेंट फंड में डालेगा, सैलरी के 12%, मनन जागो जागो, सैलरी के 12% से ज्यादा पैसा वो प्रोविडेंट फंड में डालेगा तो वो केस में बरोबर, तो वो माना जाएगा कि डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया। ऐसे ही प्रोविडेंट फंड के अंदर जब इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, तो अगर वो 9.5% से ज्यादा क्रेडिट होगा तो टैक्सेबल है इंडिया में, और ऐसा माना जाएगा कि वो इंडिया में क्या है, रिसीव, क्या माना जाएगा इंडिया में, ये देखो कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12%, ये देखो, एंड इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5% बरोबर, ये सब सैलरी में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में जब पेंशन फंड रहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है, वो पेंशन फंड में कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो ऐसा माना जाता है कि वो पैसा इज डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसा माना जाता है कि दैट मनी इज डीम टू रिसीव्ड इन, वेरी क्लियर। फिर अगर हम लोग कोई भी प्रोविडेंट फंड है, जनरली कैसा होता है, अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रहता है तो 12% तक जो भी उसमें पैसा डालेंगे टैक्स नहीं होता है, 9.5% तक उसका इंटरेस्ट जो है वो भी टैक्स नहीं होता है। बट समझो कोई फंड अनरिकग्नाइज्ड है, क्या है, क्या है, क्या है, अनरिकग्नाइज्ड, और बाद में वो रिकग्नाइज हुआ, बाद में क्या हुआ वो बरोबर, तो उसकी कैलकुलेशन का सिस्टम होता है, उसमें क्या माना जाता है कि वो फंड बैक डेट से रिकग्नाइज हुआ है, वो फंड कहां से रिकग्नाइज हुआ है, फंड कहां से रिकग्नाइज हुआ है,
तो बैक डेट से रिकॉग्नाइज हुआ है, तो पीछे की हम कैलकुलेशन करते हैं कि हर साल में जो कंट्रीब्यूशन हुआ उसमें से 12% तक टैक्स नहीं होगा, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन टैक्स होगा। तो वो जो हर साल का पैसा जमा होता है एक्सेस ऑफ 12% वाला, वो सबको एक साथ हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड बैलेंस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बरोबर। ये सब सैलरी में पढ़ने वाले हैं अपन। फिर अगर कोई टीडीएस होता है, टीडीएस क्यों, मैंने आपको बताया था ना इनकम हमेशा ग्रॉस टैक्स होती है। देखो फीचर्स ऑफ इनकम में एग्जाम्पल भी दिया था, सपोज मैंने हितेश को 10 लाख सैलरी दी, 10 लाख सैलरी में से मैंने क्या किया कि उसका टैक्स काट लिया 1 लाख रुपया और उसको 9 लाख दिए, तो ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरी सैलरी 9 लाख है, उसकी सैलरी कितनी रहेगी, 10 लाख, बराबर। फिर अगर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बिजनेस प्रोफेशन वगैरह में, उसमें क्या ऐसा होता है कुछ डीम्ड इनकम्स होती है। डीम्ड इनकम मतलब वो एक्चुअली बिजनेस इनकम नहीं है पर उसको माना जाता है कि बिजनेस इनकम है, तो उनको भी माना जाएगा कि डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो बिजनेस के लिए हम कोई भी खर्चा करते हैं तो हमको डिडक्शन मिलता है, बिजनेस के लिए हम कोई भी खर्चा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। समझो वो जो खर्चा हमने किया, हमने डिडक्शन ले लिया और बाद में जिसको हमने पैसा पे किया उसने पैसा रिफंड कर दिया, तो जब वो रिफंड करेगा तो हमारी क्या हो जाएगी, वो इनकम। जब हम खर्चा करेंगे तो हमको एक्सपेंस बोल के डिडक्शन मिलेगा, खर्चा वापस मिल गया तो हमारी क्या हो जाएगी, इनकम। समझे, इसको डीम्ड बिजनेस इनकम बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं क्लास चला रहा हूँ, एक दिन मेरे से मिस्टर धैर्य मिलने आए, बोले सर मैं धैर्य CA बन गया हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। बोले सर मैंने नया काम चालू किया है। मैंने कहा क्या काम चालू किया। बोले सर मैंने AC सर्विसिंग का काम चालू किया है, कुछ काम दीजिए। मैंने कहा CA करके AC सर्विसिंग। बोले मुझे बिजनेस करना था, मैं विनय से इंस्पायर हो गया था, विनय भी बिजनेस कर रहा था, मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कहा तो CA सर्विस कर दो। सर्विस की, मैंने कहा पैसे कितने। बोले सर बाद में लेता हूँ, बाद में लेता हूँ, ऐसे करके चला गया। मैंने 2-3 बार फ़ोन किया, बोला सर लेता हूँ ना, कहाँ भागा जा रहे हो आप, कहाँ भागा जा रहा हूँ मैं। फिर अचानक एक दिन फ़ोन किया, सर यार आप गजब कर रहे हो यार, AC सर्विसिंग करा रहे हो और पैसे नहीं दे रहे हो। मैंने कहा कितनी बार तो फ़ोन किया। बोले सर आप बहस मत करो, आप पैसे दे दो मेरे को। मैंने कहा कितने। बोले 6,000 रुपये। मैंने कहा एक सर्विसिंग के 6,000 रुपये। बोले एक CA सर्विस करेगा तो ऐसे होएगा, बराबर। तो अभी मैं लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकता, तो मैंने 6,000 रुपये दे दिए। मैंने बोला नॉर्मल AC सर्विसिंग के एक बार सर्विस कराओ, 1,000 रुपये मैक्सिमम होते, 500 रुपये एक के, दो के 1,000 रुपये, 6,000 लिया, लूट लिया। ऐसे ही एक दिन भूमि आई मेरे पास, बोले सर मैं CA बन गई हूँ। मैंने कहा और। बोले सर CA में भी बन गई हूँ। मैंने कहा और। बोले सर अभी मैंने इंस्पायर होकर कारपेंटरी का काम चालू किया है। मैंने कहा अरे CA बन गया कारपेंटर। बोले सर कमाई है, मैं विनय से बहुत इंस्पायर हूँ कि विनय भी बिजनेस करता है, मैं भी बिजनेस करूँगी। मैंने कहा ठीक है। बोले कुछ काम हो तो बोलो। मैंने कहा दो बेंच जो है वो विनय ने बैठ बैठ के तोड़ दिए, जरा आप देखो ठीक कर दो। बोले ठीक है। तो उसने रिपेयर की। बोले पैसे, बोले सर बाद में लेती हूँ, बाद में लेती हूँ। मैंने कहा यार देखो ले लो। बोले नहीं नहीं। फिर मैंने 3-4 बार फ़ोन किया पर बोली हाँ हाँ लेती हूँ लेती हूँ, ऐसे करके टाइम पास किया। फिर एक दिन फ़ोन करती है, बोले सर आप पैसे नहीं दे रहे हो बेंच ठीक करने के। अरे मैंने कहा फ़ोन तो किया। बोले सर बहस मत करो आप, मुझे बता रहा था मिस्टर धैर्य कि आप आजकल पैसे भी नहीं देते हो टाइम पे। अरे मैंने कहा मैं कितनी बार तो फ़ोन किया। बोले सर बहस मत करो, 8,000 रुपये दे देना। मैंने कहा दो बेंच ठीक करेंगे 8,000 रुपये। बोले सर एक CA ठीक करेगा तो SU का। मैंने कहा अभी 300 रुपये का काम था वो। बोले सर बहस नहीं। मैंने कहा अभी कौन लड़ाई करेगा, अभी मैंने तो दे दी 8,000 रुपये। ऐसे सब मेरे स्टूडेंट लोग चूना लगाने लगे। मैंने तो क्लास बंद कर दी और बोला कि अभी अपन तो नौकरी करेंगे कंपनी के अंदर। तो अभी कंपनी में नौकरी करता था तो रोज स्टेशन से उतरता था, मंदिर वंदिर जाता था, फिर वापस घर जाता था। ऐसे अच्छी ज़िंदगी कर ली थी मैंने मेरी। अचानक क्या हुआ, एक दिन मैं मंदिर के बाहर खड़ा था, मेरे पास दो भिखारी आए, बोले कि ये आपके पैसे। मैंने कहा आप कौन। मंदिर के बाहर देखो भिखारी रहते, कम्बल अम्बल ओढ़ के बैठ रहे थे। तो ऐसे साफ किया, मैं धैर्य, मैं भूमि। मैं बोला अच्छा, देखो मंदिर के बाहर बैठे बैठे गोरे से काले हो जाते हैं, देखो उनकी स्किन कैसी हो जाती है, बराबर। बोले ये आपके पैसे जो हमने लिए। बोले मैंने आपसे 5,000 ज़्यादा लिए, मैंने आपसे 7,000 ज़्यादा लिए, जिस दिन से आपका पैसा खाया हमारा बिजनेस ही बंद हो गया। फिर एक पंडित जी थे पंडित मनन, पंडित मनन ने बोला कि तुमने एक ईमानदार इंसान का पैसा खाया है, इसीलिए तुम्हारी हालत हो गई, उसके पैसे लौटाओ, हम आपको ढूंढ रहे थे, आप मिले नहीं, ये आपके पैसे वापस ले लो। अब जब मैंने खर्चा किया तब तो मैंने बिजनेस में लेस किया होगा, अब ये मुझे वापस रिफंड कर रहे हैं खर्चा, इनको फील हो रहा है कि इन्होंने बेईमानी से मेरे से पैसा लिया। तो जब वो मेरे को वापस देंगे तो मेरी क्या हो जाएगी, वो बिजनेस इनकम, और उसको बोलते हैं डीम्ड बिजनेस इनकम। क्या बोलते हैं, अब वो मुझे कहीं पर भी मिले, इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। समझे, बंद हो गया तो भी, बंद तो कर ही दिया था ना, मैंने नौकरी कर रहा था, मैं बोला था तो भी वो बिजनेस इनकम बोल के टैक्स होगी।
क्योंकि जब मैंने खर्चा लिया तो किसमें से लेस किया था, तो अभी जब रिफंड मिलेगा तो भी कहाँ टैक्स होगा, बिजनेस में ही, भले मेरा बिजनेस नहीं हो तो भी वो बिजनेस बोल के ही टैक्स होगा। समझे, समझ में आया ये? आगे मनन नाराज हो रहा है उस पर एग्जाम्पल नहीं, आप पे ले लूंगा एग्जाम्पल, आप टेंशन मत लो, आपको मैं वर्ल्ड फेमस कर दूंगा, आ जाओ इधर। फिर देखो अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट, कैश, बुलेनियम, ज्वेलरी वगैरह, बरोबर, ये सब पढ़ा था अपन ने। अब ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, चाहे आपको इंडिया में रिसीव हुआ हो या ना हो, बरोबर, ये समझा। मतलब ये कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 7, जो किसके बारे में बात कर रहा था, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया के बारे में, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया के बारे में, बरोबर। फिर आता है सेक्शन 8, सेक्शन 8 है डिविडेंड इनकम के लिए, किसके लिए है। अब डिविडेंड इनकम जो है ना, हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, बरोबर, कितने हेड्स हैं इनकम के, 5, पहला, दूसरा, फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन, बरोबर, 5 हेड है, मैंने बताया था आपको, 5ों हेड के अलग अलग चार्जिंग सेक्शन है, बरोबर। तो ये डिविडेंड इनकम कौन से हेड में आता है, अदर सोर्सेस, बरोबर। तो अब वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ आपको मैं ब्रीफली समझा देता हूँ। डिविडेंड इनकम जो है ना, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में डिफाइंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन, उसमें 5 क्लॉज है, कितने क्लॉज है, ABCDE करके 5 क्लॉज है, अलग अलग क्लॉजेस में अलग अलग वेज का डिविडेंड टैक्स होता है, करेक्ट। अब हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, डिविडेंड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनल डिविडेंड और दूसरा होता है इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड तो जिस साल रहता है उसी साल टैक्स होता है, क्योंकि वो साल के बीच में ही डिक्लेयर होता है। फाइनल डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में टैक्स होता है, जैसे अभी 23-24 फाइनेंशियल ईयर है, इसका फाइनल डिविडेंड मिलेगा 24-25 में, क्योंकि डायरेक्टर लोग प्रपोज करेंगे, AGM होगी जून जुलाई में, तब शेयर होल्डर पास करेंगे, तब हमको मिलेगा, मतलब वो टैक्स कौन से साल में होगा, 24-25 के अंदर। तो फाइनल जब हमारा राइट टू रिसीव आ जाता है, राइट टू रिसीव कब आता है, जब AGM में पास होता है, AGM में कब पास हुआ, 24-25, तो भले ही 23-24 का डिविडेंड है, पर टैक्स कौन से साल में हो रहा है, क्योंकि हमको मिलेगा कौन से साल में, क्योंकि हमारी AGM में पास कब होगा, 24-25, समझे, बरोबर से। तो डिविडेंड इज टैक्स इन प्रीवियस ईयर इन विच वी हैव राइट टू रिसीव सच डिविडेंड, वेरी क्लियर, कोई शक, कोई डाउट। अब जब हम डिविडेंड पढ़ेंगे तो आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन TDS करके, वो TDS के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि डिविडेंड इनकम जब भी कंपनी पे करती है तो उस पर टैक्स कट करती है, TDS बोलते हैं ना अपन, अगर 5,000 से ज्यादा डिविडेंड होगा तो टैक्स कट होता है। तो समझो अभी इसका डिविडेंड 8,000 है, तो कंपनी उस पर 800 रुपया टैक्स काट के 7,200 इसको पे करेगी, लेकिन जब ये खुद की इनकम दिखाएगा तो इनकम कितनी दिखाएगा, वेरी क्लियर, कोई शक, कोई डाउट। लमसम वो रिटर्न फाइल करेंगे और उनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के ऊपर नहीं है तो वापस मिलेगा, रिफंड ऑफ टैक्स बोल के, तो और 2,50,000 के ऊपर नहीं रहेगा तो एम्प्लॉयर कट भी नहीं करेगा, ऐसे ही वापस नहीं मिलता है। आपका टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो कोई TDS क्यों कट करेगा, और TDS कट फिर भी कर लिया तो रिफंड आ जाता है, 12,500, समझे समझे। आप ये सेक्शन 7 और 8 रीड कीजिए जल्दी जल्दी, फिर सेक्शन 9 पढ़ेंगे अपन। सेवन और एट रीड कीजिए, जागो जागो सब जन, पढ़ो प्लीज, कॉन्सेंट्रेट, इधर उधर ध्यान नहीं दो, मिस्टर विनय प्लीज डोंट डिस्टर्ब। फोन रखो और पढ़ाई करो, फोन नीचे भी रख सकते हैं ना अपन, रख दो इधर, रखो आपका भी, सबके सबके फोन रखो इधर, चलो इधर रखो सामने,
रिकॉर्डेड वालों आप लोग पढ़ो, मैं जरा इनके फोन कलेक्ट करके लाता हूँ। रिकॉर्डेड वालों अजमेर के दो फेमस प्राणी, एक विनय और एक मनन, समझ गए आप, दोनों से मिलना, अजमेर के वर्ल्ड फेमस लोग है ये। जल्दी से रीड कीजिए सेक्शन 7 और 8। ये मनन की बातों पे मत आओ, ये सब घर से पढ़ के आता है, मेरे पहले ही सब पढ़ के आया है, आप लोग को गुमराह करने आया है यहाँ पे, समझे ना, पढ़ाई करो अभी आप लोग। सेक्शन 9 तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, मैंने आपको सिर्फ 7 और 8 पढ़ने को बोला है, आपने घर पे पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ाया। 7 और 8 हुआ सबका पढ़ के, सेक्शन 7 8 पढ़ के हुआ, मिस्टर धैर्य, अब मैं कुछ बोलूं, डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय होता है, तो आपने सेंटेंस कैसे बोला कि एम्प्लॉयर पे करते समय कट करेगा। और कंपनी किसको देगी, मेंबर्स कौन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, समझे, समझे क्या, अभी आप लोग को ना बुद्धि कॉमन सेंस यूज करना है। सीए में है ना आधी एग्जाम तो है ना कॉमन सेंस से पास हो जाओगे आप, अगर आपका कॉमन सेंस स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे है ना वो आपको बहुत जगह पे कंफ्यूज करेंगे, अगर आपका कॉमन सेंस स्ट्रांग नहीं है ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए, लॉजिक कॉमन सेंस, सीए में जो चीज़ अपन पढ़ते हैं ना बहुत लॉजिकल है, कोई भी चीज़ ऐसा इलॉजिकल नहीं, आप ऐसे कोई भी चीज़ ऐसी बेवकूफ़ जैसे नहीं कर रहे। आप किसी भी व्यापारी आदमी को देखोगे ना जो व्यापार करता है, जो व्यापार में कंसेप्ट यूज होता है ना वही इधर है, ऐसा थोड़ी व्यापार कुछ अलग चल रहा है हम पढ़ कुछ अलग रहे, वैसा कभी नहीं होता। तो आप में दिमाग होना बहुत जरूरी है, आपको मैं बोल रहा हूँ आप चाहिए ना 2 महीने अपने घर का हिसाब संभालो, मम्मी को बोलो अभी 1 मार्च से जो भी घर का राशन वाशन सब मैं लेके आऊंगा, सब्जी राशन सब पैसे मैं ही खर्चा करूंगा, मैं लिख के रखूंगा आपको हिसाब दूंगा। 2 महीना आप करके देखो, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, कॉमन सेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या होता है आप लोग अभी तक पैसे से डील नहीं कर रहे हो ना, आप अभी तक सिर्फ खर्चा कर रहे हो, पापा मम्मी पॉकेट मनी दे रहे हैं आप खर्चा कर रहे हो, जब आप खुद पैसा हाथ में रहेगा और जब आप खर्चा करोगे, आप बजट बनाओगे कि इतने महीने में इतना खर्चा होना चाहिए, तब आपको समझने लगेगा पैसा क्या बोलता है, और फिर आपको ये सब कॉमन सेंस फास्ट लगे। क्या हुआ, बस बस हुआ रीड करके, सेक्शन 9 चालू करें, सेक्शन 9 भारी सेक्शन है बहुत, उसका नाम क्या है, सेक्शन 9 का नाम क्या है, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन, 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 कितना कंजूसी करोगे, बोलने में भी कंजूसी, कितने आलसी हो आप लोग,
कैसे कैसे होगा ये सब सीए करने को फिर? हाँ वापिस एक बार सेक्शन 9। हाँ अभी लग रहा है कुछ थोड़ा जाग रहे हो, वापिस एक बार पक्की बात, वापिस एक बार बरोबर। अच्छा एक्रू मतलब अर्न होना, करेक्ट। कैसे अर्न होगा, कैसे होगा उसके बारे में बोला है उसने, मतलब उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ये केसेस में हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि इंडिया में ही एक्रू हुई है इनकम। कहाँ पे एक्रू हुई है इंडिया में? पहला, फॉलोइंग इनकम आर डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। पहला, ऑल इनकम एक्रूइंग अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और क्लियरली दिया है, डायरेक्टली और थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ये देखो, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, थ्रू और फ्रॉम एनी, फिर थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट इन इंडिया या सोर्स इन, फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। पहले बात करते हैं बिजनेस कनेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया? जैसे फॉर एग्जांपल, हितेश रहता है यूएस में, उसका दोस्त विनय रहता है इंडिया में। हितेश क्या करता है, विनय को बोलता है तू मेरे गुड्स के लिए यहाँ पर कस्टमर ढूंढ। तो विनय उसके गुड्स के लिए यहाँ पे कस्टमर ढूंढता है, फिर वो विनय हितेश को बोलता है, हितेश फिर वो कस्टमर को इंडिया में माल डिलीवर करता है। ये क्या हो गया? बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, बरोबर। समझे? तो जो भी प्रॉफिट होगा वो कहां पे टैक्स होगा? इंडिया में। समझे? इंडिया से कनेक्शन मतलब इंडिया के वजह से आप अर्न कर रहे हो, बरोबर। दूसरा, एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अभी सपोज करो हितेश के दादाजी का घर इंडिया में था, हितेश ने वो घर किराए पे दे दिया, खुद रहता है यूएस में, जो रेंट मिलेगा वो कहाँ टैक्स होगा? क्योंकि घर कहाँ, तो इनकम कहाँ अर्न हो रही है, तो इंडिया में क्या होगी? वेरी क्लियर। वेदर नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट कुछ भी होने दो, इंडिया की इनकम है ना, सबके हाथ में टैक्स होती है ना। तो आगे, फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे वो रेंट का एग्जाम्पल दिया, सेम एग्जाम्पल दे सकते हो, या समझो इसने इंडिया में पैसे एफडी करवाए, तो एफडी का जो इंटरेस्ट होगा वो कहाँ टैक्स होगा? क्योंकि वो एफडी कहाँ कराई, तो इनकम कहाँ से अर्न हो रही है? समझे? फिर फ्रॉम एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन सिचुएटेड इन, अब ये अपने दादाजी का घर बेचना चाहता है, तो इसने इंडिया वाला घर बेच दिया। समझो ये यूएस में रहता है, मनन भी यूएस में रहता है, तो मनन को अपने अजमेर के अंदर एक घर चाहिए था, बोला कभी कभार जाता हूँ तो मेरे को एक घर चाहिए, तो इसने हितेश से वो घर खरीद दिया। दोनों यूएस में है, दोनों ने यूएस में ट्रांजेक्शन किया, पर घर कहाँ का है, तो टैक्स कहाँ होगा? तो जो हितेश के हाथ में प्रॉफिट होगा उसको कहाँ टैक्स भरना पड़ेगा? दैट गेन विल बी प्रिज्यूम्ड एज इनकम एक्रूड इन, वेरी क्लियर। पहली बात तो ये कि इसकी प्रॉपर्टी पहले से ही है, तो फिर बेचेगा क्यों आपको? जब बेच ही नहीं सकता है तो आपको बेचेगा क्यों? किसी और को बेच देगा, ये कैसी बात हुई? और आजकल ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, हर गवर्नमेंट हर देश चाहता है कि फॉरेनर लोग इंडिया में आके, या कोई भी कंट्री में, दुबई की प्रॉपर्टी का इंडिया में ऐड होता है, आप जाके खरीदो। कनाडा में अगर मैं अभी चाहता तो मैं कनाडा भी जा सकता था। कनाडा में मुझे खाली 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है, 1 करोड़ भी नहीं, 75 लाख। मैं वहां 75 लाख करूंगा, मुझे वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी, वहां का वो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिल जाएगा मुझे। यस, उसी पे। ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया वाला बेचारा पूरे वर्ल्ड में देता, तो क्या सब टैक्स हम ही लेंगे क्या? जो इंडिया से कमाएगा उस पर सिर्फ इंडिया टैक्स लेंगे।
किसका, उससे क्या फर्क पड़ता है, कमाया ना उसने, पैसा कमाया ना, रेगुलर से क्या फर्क होता है। देखो मैंने लिखा था टेम्पररी इनकम भी टैक्स होती है। देखो एग्जांपल दिया था, अक्षित को रोज लॉटरी टिकट लेने की आदत थी, फिर उसको 70 साल की उम्र में 30,000 की लॉटरी लगी थी, याद आया। तो सोर्स ऑफ इनकम कैन बी टेम्पररी कैन बी परमानेंट, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप रेगुलर कमाओगे तो ही टैक्स लेंगे। आप जरा भी कभी भी कमाओ टैक्स लेंगे वो, बराबर। कोई डाउट? देखो नीचे लिखा है एनी ब्रांच सब्सिडरी सेल्स डिपार्टमेंट इन इंडिया ऑफ अ फॉरेन कंपनी और पर्सन स्टेइंग आउटसाइड एक्सप्लेनेशन वन टू सेक्शन 911। ये देखो ये क्लॉज वन है, दिखा, ये देखो लिखा था यहां पे सेक्शन 911, उसी के अंदर अभी एक्सप्लेनेशन दिखा, एक्सप्लेनेशन वन दिखा क्या, इन केस फुल ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया देन इनकम इन प्रोपोर्शन टू ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया इज चार्ज टू टैक्स इन इंडिया। क्या मतलब हुआ मनन इसका? जो आपने मुझे डाउट पूछा था वही आगे, इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग कस्टमर रिसाइडिंग इन इंडिया और एसेसिंग एडवर्टाइजमेंट थ्रू आईपी लोकेटेड इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ विनय, जो अभी मैंने रीड किया उसका? ये तो आपने वही बोला जो वर्ड लिखा है, मुझे समझाओ ना इसको जरा। थोड़ा ध्यान से रीड करो, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग कस्टमर रिसाइडिंग इन और असेसिंग एडवर्टाइजमेंट थ्रू लोकेटेड इन, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया के लोगों को माल बेचने से, जैसे भी आप लोग आजकल मोबाइल पे जाते हो, आज आप अपने गूगल पे सर्च मारोगे कि बेस्ट होटल इन गोवा, उसके बाद आप जब भी गूगल पे जाओगे ना आजू बाजू ऐड दिखेंगे होटल्स इन गोवा, आप फेसबुक पे जाओगे तो नीचे ऐड आएगा होटल्स इन गोवा। वो ट्रैक करते हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट है, यस यस। अभी तुम कहीं पे भी बैठे हो इंडिया में माल बेच रहे हो ना, अभी अमेजोन है, अमेजोन के वेयर हाउसेस इंडिया में है, वो भी खुद के कुछ नहीं है यहाँ पे, समझो उसने टाइप कर लिया, ऐड हो रहा है यूएस से इंडिया के लोगों को, इंडिया के लोग ऑर्डर कर रहे हैं माल, इंडिया का इंडिया में जा रहा है, अमेजोन ने 0 पैसा इंडिया में डाला, खाली ऐड करता है, तो टैक्स कहाँ होगा? इंडिया में। सेकेंड, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया और यूजिंग आईपीए लोकेटेड इन इंडिया। जैसे अभी फेसबुक क्या करता है, गूगल क्या करता है, और डेटा कलेक्ट करता है और लोगों को शेयर करता है। समझो अभी मैं अगर गूगल पे मेरा बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट के लिए लिस्ट करवा लूँ, एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो क्या होगा कि उसके अंदर जब मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए लिस्ट करवाऊंगा तो उसके अंदर क्या होगा कि जो भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ढूंढेगा मेरे को मैसेज आएगा। जैसे जस्ट डायल पे मैं रजिस्टर करवाता हूँ, आप जस्ट डायल पे जाओगे और वहां पे सर्च मारोगे सीए क्लासेस, जैसे सीए क्लासेस मारोगे आपको सबके नाम मिलेंगे, मेरा भी नाम मिलेगा, फिर मुझे मैसेज आएगा ये लड़का सीए क्लास ढूंढ रहा है, तो मैं फटाफट आपको कॉल करूंगा, आप सीए क्लास ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं पढ़ाता हूँ सीए, समझे। तो बहुत सारे लोगों का काम यही है, डेटा कलेक्ट करके लोग लीड देना, तो वो लोग का इनकम जो है वो कहाँ टैक्स होगा? इंडिया में। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया और यूजिंग आईपी लोकेटेड इन इंडिया, बरोबर। फिर यहाँ पे क्या है, खाली सेल ऑफ डेटा था, यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स टू डेटा, उन लोगों को माल बेचने से, तो जो डेटा बेचेगा उसकी भी इनकम टैक्स होगी और वो डेटा यूज करके माल बेचेगा उसकी भी इनकम टैक्स होगी,
बरोबर से आगे इन केस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट नो इनकम शैल डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया टू हिम थ्रू और फ्रॉम ऑपरेशन विच आर कन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट. जैसे सपोज करो मिस्टर धैर्य यूएस पे रहते हैं, इंडिया यूएस की सिटीजन है, यूएस में ही रहते हैं, इंडिया घूमने आए, इंडिया गए ताजमहल घूमने, इसलिए इनको बोला ताजमहल जो है इंडिया के अंदर बहुत अच्छा है, इनको ताजमहल बहुत पसंद आया, तो ये बोले मैं थोड़े ताजमहल लेके जाता हूँ वहाँ पे बेचूँगा. तो इंडिया से इन्होंने 5,000 ताजमहल खरीदे छोटे छोटे गिफ्ट वाले और यूएस में जाके बेचेंगे, तो क्या हम इसकी इनकम इंडिया में टैक्स करेंगे? नहीं. ये तो क्या हुआ, इम्पोर्टर. ये क्या हुआ, मतलब ये इंडिया से माल लेके जा रहा है तो उल्टा देश का फायदा हो रहा है. हाँ, एक्सपोर्टर हुआ तो ये हमारे देश का फायदा हो रहा है क्योंकि हमारी फॉरेन करेंसी आ रही है, तो इसीलिए ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट. तो ये यहाँ पे टैक्स, तो कोई भी इंडिया से माल खरीदेगा उसके देश में बेचेगा तो हम उससे टैक्स. ऐसे तो बेचारे बहुत सारे दुनिया में, क्योंकि जिस कंट्री में बेचेगा वो कंट्री टैक्स लेगी ना, और हम भी टैक्स लेने लगे तो बेचारे कैसे बचेगा क्या, 40% वो लेगा, 40% हम लेगा, तो क्या 20% लिए काम करेगा वो, समझे. आगे इन केस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट बीन अ पर्सन एंगेज इन बिजनेस ऑफ रनिंग न्यूज एजेंसी और ऑफ पब्लिशिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जर्नल नो इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया टू हिम थ्रू और फ्रॉम एक्टिविटीज विच आर कन्फाइंड टू कलेक्शन ऑफ न्यूज व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड. अभी ये जो न्यूज एजेंसीज मैगजीन्स होती है, ये लोग जो भी न्यूज वगैरह कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है. जैसे भी इंडिया में जो कुछ चल रहा है तो बीबीसी वाला भी दिखाता ही होगा, दूसरी कंट्री के न्यूज चैनल भी दिखाते होंगे, इंडिया में ये चल रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में राम मंदिर बना, इंडिया में ये चल रहा है, बराबर अंबानी के बेटे की शादी हो रही है उसमें विनय को इन्वाइट नहीं किया गया, ऐसे मतलब न्यूज दिखाएंगे वो लोग अलग अलग, अजमेर के वर्ल्ड फेमस मनन और विनय को इन्वाइट नहीं किया गया, क्या मुकेश अंबानी की गलती है ये, बराबर. तो ऐसे न्यूज चैनल वाले दिखाएंगे तो उससे जो पैसा कलेक्ट होगा इंडिया में टैक्स नहीं होगा, समझे. इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट बीन, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट बीन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्म विच डज नॉट हैव एनी पार्टनर हु इज सिटीजन और हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, कंपनी विच डज नॉट हैव शेयर होल्डर हु इज सिटीजन और रेजिडेंट इन इंडिया, नो इनकम शैल डीम टू एक्रू अराइज टू सच इंडिविजुअल फर्म कंपनी फ्रॉम शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म इन इंडिया. अभी ये समझो कोई फॉरेनर वाला है, इंडिया में फिल्म शूट करने आता है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, इंडिया में रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिया के अंदर रेजिडेंट, तो वो इंडिया में फिल्म शूट करके जाएगा तो उससे हम जो भी वो फिल्म को डिस्प्ले करने से पैसा कमाएगा हम टैक्स, समझे. अब आप सोचोगे इसमें क्या फायदा, अभी समझो कोई भी हॉलीवुड की मूवी में इंडिया की शूटिंग रहेगी तो वो जो यूएस वाले लोग हैं वो देखेंगे तो इनडायरेक्टली इंडिया का प्रचार होगा ना, इंडिया का प्रचार होगा तो इंडिया में लोग टूरिस्ट आएंगे ना, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है, बिना मेहनत के पब्लिसिटी हो रही है ना. समझो अभी मेरी क्लास है, कोई फॉरेन के इंटरनेशनल फिल्म वाला बोलता है तुम्हारी क्लास की शूटिंग लेंगे, मैं बोलूँगा मेरा सिर्फ बोर्ड लगाना पड़ेगा तो किराया नहीं लूँगा, बोला डन, उस मूवी में मेरा बोर्ड दिखेगा मेरे को बस हो गया, मेरे को कोई किराया नहीं चाहिए, तुम 10 दिन शूटिंग करो जाओ, क्योंकि मेरा बोर्ड दिखेगा तो इतने लोग देखेंगे, मेरी एडवर्टाइजमेंट हो गई ना, आप समझे मेरी बात को. फिर ई क्लॉज, इन केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड नो इनकम शैल डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया टू इट थ्रू और फ्रॉम एक्टिविटीज विच आर कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ अनकट अनसॉर्टेड डायमंड इन एनी स्पेशल जोन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अभी कोई फॉरेन कंपनी है वो डायमंड का बिजनेस करती है, इंडिया में एग्जीबिशन लगाती है, अगर वो इंडिया में एग्जीबिशन लगाएगी, सिर्फ एग्जीबिशन, इंडिया में माल नहीं बिकना चाहिए, तो उसकी इनकम टैक्स नहीं होगी. पर अब मुझे बताओ एक बात, वो इंडिया में एग्जीबिशन लगाएगी, क्यों लगाएगी एग्जीबिशन, तो कॉमन सेंस से माल तो बिकेगा ही ना. गवर्नमेंट ने क्या बोला, खाली एग्जीबिशन लगाओ हम टैक्स नहीं लेंगे, पर अपने को पता है एग्जीबिशन लगाने से ही माल बिकेगा, बिकते से हम टैक्स ले लेंगे. मुझे बता एग्जीबिशन लगाने से इनकम होगी क्या उसको, तो फिर टैक्स कैसे लेंगे,
एग्जीबिशन लगाने से इनकम होती है क्या? तो टैक्स होगा ही नहीं। मुझे एक ही चीज का जवाब दो, एग्जीबिशन लगाने से इनकम होगी क्या? बराबर। कैसे चार्ज होगी, किस वे से आप चार्ज करना चाहोगे? जीएसटी से बताएंगे मुझे आप? जीएसटी भी तो सेल पे लगेगी ना, तो सप्लाई कहां हो रही है? सप्लाई हो रही है क्या? तो माल बिकेगा तो सब लगेगा, जीएसटी भी लगेगा, इनकम टैक्स भी लगेगा। ये हम यहां पे प्रमोट कर रहे हैं कि तुम एग्जीबिशन लगाओ इंडिया में। बहुत सारे लोग एग्जीबिशन क्यों लगाते हैं इंडिया में? बस बस आवाज नहीं। इंडिया में एग्जीबिशन क्यों लगवाती गवर्नमेंट? जब इंडिया में एग्जीबिशन लगेगी ना, तो फॉरेनर वाला इंडिया के लोगों को तो बुलाएगा ही बुलाएगा, बाहर के लोगों को भी बुलाते हो। एक कंपनी है, मैं उसका नाम भूल गया, ISJEC कुछ तो करके नाम है, डायमंड कंपनी है, मुंबई में BKC में है। मेरे ऑफिस की लड़की का हस्बैंड काम करता है, वो लोग अलग अलग जगह शो करते हैं, दुबई में, जयपुर में, मुंबई में। उनके एक शो में 5,000 स्टॉल होती है, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर सब। एक एक स्टॉल का वो लोग 10-10, 20-20 हजार, 2-2 लाख रुपए तक लेते हैं। अब समझे? तो जब वो एग्जीबिशन लगाते हैं तो सब लोग पूरे वर्ल्ड से आते हैं देखने के लिए। तो इंडिया में टूरिज्म बढ़ता है, होटल में लोग रहेंगे, इंडिया में खाएंगे, शॉपिंग करेंगे, इंडिया का बिजनेस प्रमोट होता है भाई, समझे? बरोबर से चलो। एक्सप्लेनेशन टू, बिजनेस कनेक्शन, याद है मैंने बिजनेस कनेक्शन पढ़ा था? शैल इंक्लूड एनी बिजनेस कैरीड आउट थ्रू अ पर्सन हु एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ ये लाइन का? धैर्य, पूछा आपको मिस्टेरियर, अभी बात करना अलाउड नहीं है। ऐसा कुछ एग्जांपल दिया था मैंने, समझा आपको बिजनेस कनेक्शन का मीनिंग? तब जब आगे हैड एंड हैबिचुअली एक्सरसाइज इन इंडिया एन अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट और हैबिचुअली कंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट और हैबिचुअली प्लेस द प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय नॉन रेजिडेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट आर इन द नेम ऑफ नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप granting of right to use property owned by non-resident or that non-resident has right to use or provision of service by non-resident. अक्षर इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो अभी मैंने ए वाला पढ़ा, ए में 1, 2, 3 भी है, तो पूरा ए वाले का मीनिंग समझाओ मेरे को। अभी सब ध्यान से रीड करने का, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ मीनिंग, क्योंकि ये सब समझाए हुए हैं मेरे। ए वाला सब्जन पढ़ लो, अक्षर नहीं बोल पाया तो किसी से भी बोल सकता हूँ पूछने को, जो फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं आलसी लोग, वो लोग भी। रिकॉर्डेड वालों, लाइव वालों, आप भी रीड करके रखो और ढूंढो मीनिंग, जो भी मीनिंग समझ में आता है बोलो खुद ही। ऐसे सोचो कि मैं सुन रहा हूँ, फिर जब अक्षत बोलेगा और मैं करेक्ट बोलूंगा तो आपको समझ जाएगा कि आप सही हो कि रॉन्ग हो। हाँ अक्षत, फटाफट टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कम है अपने पास। पहले वो फर्स्ट पैरा का मीनिंग समझा दो मुझे, 1, 2, 3 क्या क्या? नहीं भूमि,
नीचे का पार्ट रॉन्ग बोला, ऊपर का करेक्ट था। हाँ मैंने और किसके हाथे लगेगा? हितेश के हाथ बराबर। हैज नो सच अथॉरिटी बट हैबिचुअली मेंटेन्स इन इंडिया अ स्टॉक ऑफ गुड्स मर्केंडाइज फॉर विच ही रेगुलरली डिलीवर गुड्स मर्केंडाइज ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। क्या 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 क्या? नहीं, वो मैं बोल दूंगा, आप चिंता मत करो, आप बोलते जाओ। मनन की आवाज मजबूत थी, सुनाई दी होगी। बोलो मीनिंग इसका, बी वाले का। अरे रुको, फाइनल में ये लोग साथ में नहीं चाहिए आपको, खुद ही पास होना चाहते हो। फिर उसके बाद सी, हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर इन इंडिया मेनली और होली फॉर नॉन रेजिडेंट और फॉर नॉन रेजिडेंट और अदर नॉन रेजिडेंट कंट्रोलिंग कंट्रोल्ड बाय सच कॉमन टू द सेम कॉमन कंट्रोल्ड एज दैट नॉन रेजिडेंट। हाँ विनय, सी वाला। वापस देखो, अभी ए वाला देखो, उसने क्या बोला है कि बिजनेस कनेक्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी नॉन रेजिडेंट किसी और पर्सन के थ्रू इंडिया में बिजनेस कर रहा है, नंबर वन। उसमें ए वाला क्लॉज क्या बोलता है कि जो दूसरा पर्सन है जो इंडिया वाला है वो पूरा ट्रांजेक्शन यानी कि पूरा एग्रीमेंट कंक्लूड वही करता है। मतलब गुड्स किसका है? नॉन रेजिडेंट का। सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? नॉन रेजिडेंट। ओनरशिप कौन ट्रांसफर करेगा? नॉन रेजिडेंट। बट उस तक वो कस्टमर लाके उस कॉन्ट्रैक्ट को, डील को क्लोज कराने का काम कौन कर रहा है? इंडिया वाला, रेजिडेंट वाला। बरोबर, तो वो रेजिडेंट पर्सन क्या हो गया? बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बी वाले भी क्या बोलता है कि जो पर्सन हैबिचुअली गुड्स डिलीवर करता है, करेक्ट, उसके पास अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की नहीं है, पर वो गुड्स मेंटेन करता है, गुड्स डिलीवर करता है नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, तो इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सी वाले में बोलता है कि कोई इंसान किसी नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया के अंदर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करता है या किसी और नॉन रेजिडेंट के लिए जो इसी का सब्सिडरी है या इसी के अंडर कंट्रोल है। बरोबर, ये हितेश नॉन रेजिडेंट है, इसी के कंट्रोल में एक और बंदा है मनन, और विनय मनन के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है और इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। इट इज प्रिज्यूम दैट मनन इज विनय इज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, बिजनेस कनेक्शन इन। बरोबर, समझे? आगे, प्रोवाइडेड दैट सच बिजनेस कनेक्शन शैल नॉट इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड ऑन थ्रू अ ब्रोकर जनरल कमीशन एजेंट और अदर एजेंट हैविंग एन इंडिपेंडेंट स्टेटस। इफ सच ब्रोकर जनरल कमीशन एजेंट और अदर एजेंट हैविंग एन इंडिपेंडेंट स्टेटस इज एक्टिंग ऑन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अभी बहुत सारे लोग इंडिया में चाइना से माल खरीद के लाते हैं और इंडिया में बेचते हैं, यहाँ पे वो चाइना वाले के हाथ में टैक्स नहीं होगा क्योंकि हम खुद जाके खरीद के लाए उससे और हम इंडिया में बेच रहे हैं, तो हमारे हाथ में टैक्स होगा। फिर चाइना वाले के हाथ में टैक्स क्योंकि वहां पर चाइना वाले के हाथ में कुछ कंट्रोल ही नहीं है, तो कोई भी नॉन रेजिडेंट से हम खुद जाके माल हमारे नाम पे खरीद के ला रहे हैं और फिर बेच रहे हैं, फिर बेच रहे हैं,
तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस में क्या होगा, वो इंडिया वाले के हाथ में टैक्स होगा, फॉरेन वाले के हाथ में टैक्स नहीं होगा, समझे? बोलो मनन, आपको डाउट है ना? सी तो कब से हो गया मत? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, प्रोवाइडेड वाला, प्रोवाइडेड सी थोड़ी है, वो अलग से है। पहले दिन बताया ना, प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजो, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब ये बिजनेस कनेक्शन नहीं है। कौन सा बिजनेस कनेक्शन नहीं है? जब इंडिया वाला चाइना जाके खुद के नाम पे माल खरीद के इंडिया लेके आता है और फिर इंडिया में बेचता है, तो वो इंडिया वाले के हाथ में टैक्स होगा, चाइना वाले के हाथ में टैक्स? इनके कैसे होगा? ये तो बराबर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर सच ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और अदर एजेंट वर्क्स मेनली और होली ऑन बिहाफ ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? और ऑन बिहाफ ऑफ सच नॉन रेजिडेंट एंड अदर नॉन रेजिडेंट विच आर कंट्रोल्ड बाय प्रिंसिपल नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो जनरल एजेंट है वो किसी नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, या उसी का कोई एजेंट या ऐसी एंटिटी जिसके ऊपर उस नॉन रेजिडेंट का कंट्रोल है, करेक्ट? और आर सब्जेक्ट टू सेम कंट्रोल, एजेंट सेम कंट्रोल, आर सब्जेक्ट टू कॉमन कंट्रोल एज प्रिंसिपल नॉन रेजिडेंट, ही शैल नॉट डीम टू बी ब्रोकर, जनरल एजेंट और एजेंट और इंडिपेंडेंट स्टेटस। इसका मतलब क्या हुआ? अभी जैसे विनय है, विनय है ना, हितेश के लिए ऑर्डर सिक्योर करता है। अब सारी दुनिया में पता चल गया कि हितेश का ही एजेंट है, तो हितेश एक एंटिटी को और कंट्रोल करता है जिसका नाम है मनन। अभी क्या करता है? मनन के लिए ऑर्डर सिक्योर करता है, तो भी ये माना जाएगा कि ही इज अ एजेंट, ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ब्रोकर, ही इज नॉट एन। या सपोज करो कि हितेश और मनन दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? धैर्य। एंड ही सिक्योरिंग ऑर्डर तीनों में से किसी के लिए भी, तो भी वो क्या माना जाएगा? ही इज एन एजेंट, ही इज एज अ बिजनेस कनेक्शन, ही विल नॉट बी रिगार्ड एज इंडिपेंडेंट एजेंट। बरोबर। इंडिपेंडेंट एजेंट होने के लिए हम हमारे नाम पे माल खरीद के लाना चाहिए, बरोबर। और आप अपने नाम, देखो फर्क क्या होता है जब बिजनेस कनेक्शन और उसमें होता है, जो इंडिपेंडेंट एजेंट होगा ना उसके पैसे होंगे, वो जाएगा माल अपनी शर्तों पे खरीद के लाएगा, यहाँ कितना भी मार्जिन ऐड करके बेचे उसको चलेगा। लेकिन जो एजेंट होगा बिजनेस कनेक्शन वाला, वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, वो खाली क्या करता है? ऑर्डर सिक्योर करता है, उसको फोन करता है माल भेज दो, माल आ जाएगा, डिलीवरी कर देगा, पैसे उसको भेज देगा, अपना कमीशन काट लेगा, वो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करता। जो इंडिपेंडेंट एजेंट होगा ना, वो खुद का पैसा इन्वेस्ट करेगा, ट्रेडर हो गया वो, सिंपल भाषा में क्या हो गया वो, समझे? बरोबर से। नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो, मिस्टर ए एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट एंड सिक्योर ऑर्डर फॉर मिस्टर एक्स, देन बिजनेस कनेक्शन इज डायरेक्टली एस्टैब्लिश्ड इन दिस केस। इफ सपोज मिस्टर वाई इज ऑल्सो नॉन रेजिडेंट, देन बिजनेस कनेक्शन विल बी एस्टैब्लिश्ड इफ मिस्टर एक्स कंट्रोल मिस्टर वाई, और मिस्टर वाई इज कंट्रोल्ड बाय मिस्टर एक्स, और बोथ आर कॉमनली कंट्रोल्ड बाय मिस्टर, समझे? देखो ऊपर वाला जो पैराग्राफ था उसका मीनिंग था ये, समझे? आगे, एज पर एक्सप्लेनेशन थ्री, इन केस ऑपरेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय अ पर्सन स्पेसिफाइड इन ए बी एंड सी अबव, देन इनकम इन प्रोपोर्शन टू ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया इज चार्ज टू टैक्स। इसका मतलब क्या? भी हितेश 10 कंट्री में माल बेच रहा है, तो जितना वो विनय के थ्रू इंडिया में बेचेगा उतना इंडिया में टैक्स होगा। वो ऑस्ट्रेलिया में बेच रहा है, यूएस में बेच रहा है, लंदन में बेच रहा है, अफ्रीका में बेच रहा है, वो सब इंडिया में टैक्स थोड़ी होगा, समझे? बरोबर से। एक बार आप यहां तक रीड कर लीजिए, फिर आगे समझाता हूँ मैं आपको। जी 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 मिस्टर मनाय, ओके ओके, वी नन ऑफ वस विल एकम्पनी यू, प्लीज यू मे गो अलोन। जल्दी जल्दी रीड करो इसके आने के पहले, फिर फटाफट अपन इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लेंगे इसके आने के पहले। जल्दी 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 जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। अब भी जा रहे हो उसके साथ? मैंने अभी तो बोला एकम्पनी नहीं करना है, फिर भी सब जाए यहां तक, क्योंकि अभी इसके बाद जो रहेगा थोड़ा टफ रहेगा। करें स्टार्ट आगे। बहुत देर से उसने बातें नहीं की ना, मनन को परेशान नहीं किया, इसलिए आ गया वापस।
आ जाइए, देखो उसके आगे क्या दिया है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ एन नॉन रेजिडेंट इन इंडिया शैल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, करेक्ट। मतलब अगर हमारी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो भी क्या माना जाएगा, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अभी आ रहा है ना उसका मीनिंग, बिजनेस देखो सिग्निफिक वो आ रहा है ना, देखो नीचे नेक्स्ट लाइन टेबल के ऊपर, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मीन्स, मीनिंग आ रहा है अभी। देखो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड सर्विस और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय अ नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा ऑफ सॉफ्टवेयर इन इंडिया एग्रीगेट पेमेंट अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर शुड एक्सीड रुपीज। मतलब उसका इंडिया वाले बंदे के साथ बिजनेस 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए तो हम मानेंगे कि वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में। सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस सॉलिसिटेटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और एंगेजिंग इन इंटरेक्शन विद यूजर्स इन इंडिया द नंबर ऑफ यूजर्स शुड बी एटलीस्ट 3 लाख। अब देखो इन्होंने दोनों कैटेगरी से लोगों को पकड़ लिया, एक जो इंडिया में लोगों के साथ बात करता है उनसे इंटरेक्ट करता है और ऐसे कितने लोग होने चाहिए, 3 लाख, जैसे फेसबुक गूगल इंस्टा, ये देखो ये सब पे लोग डील करते हैं ना, तो वो हमको सर्विस दे रहा है ना, तो उसकी इनकम इंडिया में क्या हो जाएगी, टैक्स हो जाएगी, बरोबर। या फिर किसी के साथ 2 करोड़ का बिजनेस कर लिया तो भी क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस, समझे। यानी आप 2 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लो या 3 लाख लोगों से इंटरेक्ट कर लो, इट इज योर सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस, बरोबर। फर्दर द अबाउट ट्रांजेक्शन एक्टिविटी शैल कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया वेदर और नॉट द एग्रीमेंट फॉर सच ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज एंटर्ड इन इंडिया द नॉन रेजिडेंट हैज रेजिडेंस और प्लेस इन इंडिया द नॉन रेजिडेंट रेंडर सर्विसेज इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक प्रेजेंस के लिए, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में रहना चाहिए, मतलब दैट नॉन रेजिडेंट शुड बी इन इंडिया, या वो इंडिया में माल बेचना चाहिए, बरोबर। अगर वो इंडिया के लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है तो भी बस हो गया, बिना इंडिया में रहे, समझे। आगे हाउएवर वेयर बिजनेस कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड by reason of economic significant economic presence in India only so much of income as is attributable to transaction or activities referred to in A or B above shall deemed to accrue or arise in India। जो economic significance की हमारी definition है उसके हिसाब से जो भी tax होगा वो India में income मानी जाएगी। मतलब obviously वो तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी non resident की जितनी India से related income होगी उतनी ही tax होगी, उसके excess में tax नहीं होगा। आगे इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट द फॉलोइंग शैल नॉट हाउएवर बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया इन द केस ऑफ बिजनेसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन द केस ऑफ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया इन दिस केस बिजनेस अदर देन द बिजनेस हैविंग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंस बिजनेस कनेक्शन of which all operations are not carried out in India, income of business deemed to accrue arise in India only be shall be only such part of income as is reasonable attributable to operation carried out in India. Therefore, it follows that such part of income which cannot be reasonably attributable to operation in India cannot be taxed in India. मतलब deemed to accrue कौन सी होगी जो इंडिया के ऑपरेशन के रिलेटेड है, वही नहीं तो नहीं। अब इसमें ऊपर एक लाइन दी थी स्टार्ट में कि अगर किसी का इंडिया में क्या है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस और उसके वजह से इनकम अर्न हो रही है तो इट इज डीम्ड टू बी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, नंबर वन। नंबर टू, उस केस के अंदर जितनी उस बिजनेस कनेक्शन से इनकम अर्न होगी उतनी इंडिया में टैक्स होगी, पूरी इनकम टैक्स नहीं होगी। वेरी क्लियर, समझे। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कनेक्शन के लिए नॉन रेजिडेंट को इंडिया में रहना जरूरी नहीं है,
बरोबर समझे। एक बार इसको रीड कर लीजिए, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कनेक्शन। अब इसके बाद सब इजी इजी है। ये सबसे बड़ा यही था, देखो फर्स्ट क्लॉज था ये 9 का, सेक्शन 9 का। जल्दी जल्दी रीड कीजिए, एक बार पूरा स्टार्ट से रीड कर लीजिए यहां से। ये देखो यहां से चालू हुआ था ना अपना 9, सेक्शन 9, वहां से लेके एंड तक एक बार रीड कर लीजिए पूरा। बरोबर सब जन रीड करेंगे प्लीज, लाइव वाले रिकॉर्डेड वाले भी। इसके बाद सब इजी इजी है, अभी फटाफट होगा। ये सबसे ऐसा ट्रिकी पार्ट था। हाँ हाँ रीड कीजिए, रिकॉर्डेड वालों लाइव वालों रीड करके हुआ है क्या? पूरा रीड करना है, बताया ना आपको स्टार्ट से। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मतलब क्या होता है कि जिस नॉन रेजिडेंट के इंडिया के अंदर 2 करोड़ वैल्यू का बिजनेस होता है किसी के थ्रू, या फिर 3 लाख लोगों से वो इंटरेक्ट करता है इंडिया के अंदर, जैसे फेसबुक इंस्टा ये सब, तो उसकी इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मानी जाएगी और उसकी जो इनकम इंडिया में अर्न होगी वो इंडिया में टैक्सेबल। यस 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 ट्रांजेक्शन जिसका पेमेंट 2 करोड़ से ज्यादा है। हाँ 2 करोड़ या 1 करोड़। पढ़ने का बाकी है ना, पढ़ो ना। आपका पढ़ के हो चुका है मुझे लग रहा है, क्योंकि आप बातें किए जा रहे हो कब से, मुझे बोल रहे हो बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है, अभी तक पेज टर्न नहीं किया लेकिन बातें कर रहे हो। देखो हाई लेवल डैश डैश। ओ हो, रुको मैं बुलाता हूँ, या बुला रहे हो आप? जाओ बुला के लाओ, बोलो बंद हो गया जी, जाके आइए। नेट बंद हो गया मुझे लग रहा है ना, नेट बंद हो गया शायद ना। वाईफाई बंद हो गया सर। उस पे आइकन देखो वाईफाई है क्या? नीचे नीचे देखो,
यस गाइस, चलिए यहां तक पढ़ के हो गया सबका। चलो आगे स्टार्ट करें अभी अपन। चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपन। देखो सेकंड नंबर में क्या दिया है, सेकंड नंबर में बोला है इनकम विच फॉल्स अंडर द हेड सैलरीज इफ इट इज अर्नड इन इंडिया। अगर कोई भी सैलरी इनकम रहेगी, अगर वो इंडिया में अर्न हुई है, तो इट इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट इनकम ऑफ नेचर रेफर टू इन दिस क्लॉज पेबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया फॉर रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड विच इज प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग सच सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया एंड फॉर्म पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी रिगार्डेड एज अर्न इन इंडिया। अगर आप सर्विस इंडिया में प्रोवाइड करते हो और उसके बदले आपको कभी भी किधर भी मिले तो वो डीम टू एक्रू इन इंडिया कहलाएगा। जैसे भी समझो आप पूरा, जैसे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, वो लोग सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इंडिया में। जब वो रिटायर हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो बिल्कुल ऐसे क्रुशियल जजमेंट्स देते हैं ना, वो लोग इंडिया के बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि अभी समझो उन्होंने मनन को फांसी की सजा दे दी, हितेश को फांसी की सजा दे दी, विनय को उम्र कैद दे दी, तो इनके बच्चे लोग उनका खून करने के लिए भागेंगे ना, इसलिए इंडिया छोड़ के चले जाते हैं और उनको वहाँ पेंशन मिलती रहती है। तो वो पेंशन इंडिया में टैक्स होगी, क्योंकि उनको क्यों मिल रही है, क्योंकि उन्होंने सर्विस कहाँ प्रोवाइड की थी, इंडिया में, उसके वजह से उनको क्या मिल रही है, पेंशन। बराबर। अब आप इंडिया में सर्विस दिए तो रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी आपको, वो पेंशन क्यों मिल रही है? बराबर। हाँ, भाग जाते नहीं, बाहर जाते हैं। बराबर। एनी इनकम बाय वे ऑफ सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू एनी इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे भी बहुत सारे कंट्रीज में इंडियन एम्बेसी होती है, वो इंडियन एम्बेसी में काम कौन करते हैं, इंडिया के लोग ही, तो उनको पगार कौन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा हर कंट्री के साथ ऐसा एक एग्रीमेंट होता है कि भाई हमारे वो लोगों को जो हम पगार देंगे वो हम इंडिया में टैक्स करेंगे, और तुम्हारे एम्बेसीज वालों को जो तुम इंडिया में पगार दोगे तुम वहां टैक्स करना, हम टैक्स नहीं करेंगे, समझे? तो उन लोगों को जो भी सैलरी देंगे वो कहाँ टैक्स होगी, इंडिया में। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी कभी भी डिविडेंड पे करेगी, चाहे इन इंडिया पे करो चाहे आउटसाइड इंडिया, इट इज डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। एनी इंटरेस्ट पेबल बाय एनी पर्सन, अभी देखो तीन क्लॉज है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस, करेक्ट? ऐसे तीन क्लॉज है। अभी ध्यान से सुनना, ये क्या बोलता है अपने को, पहले अपन एक पढ़ लेंगे ना तो दूसरा अपने आप समझ जाएगा अपने को। इंटरेस्ट पेबल बाय फॉलोइंग पर्सन शैल डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। क्या बोला इसने, इंटरेस्ट पेबल बाय फॉलोइंग पर्सन शैल डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। ये लाइन का मीनिंग समझा? पहला, गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी इंटरेस्ट पे करेगी, तो वो बंदे के हाथ में जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है वो इंडिया में डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया होगा। समझा ये लाइन का मीनिंग? दूसरा, एनी रेजिडेंट पर्सन, अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट पर्सन किसी को भी इंटरेस्ट पे करता है तो वो उसके हाथ में डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया होगी, एक्सेप्ट सिर्फ एक ही सिचुएशन में नहीं होगी, अगर वो रेजिडेंट पर्सन ने जो पैसा बोरो किया है वो पैसा उसने इंडिया के बाहर यूज किया है। कहाँ यूज किया है, मतलब समझो मैं इंडिया वाला हूं, मेरा यूएस में भी प्लांट है, अफ्रीका में भी प्लांट है, मैंने क्या किया, एक लंदन वाले से इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए पैसा बोरो किया, तो मैं उसको इंटरेस्ट पे करूंगा, इट इज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, करेक्ट? सपोज उस लंदन वाले से मैंने अफ्रीका वाले प्लांट के लिए पैसा बोरो किया तो इंडिया में टैक्स, समझे? यस। आगे, एनी नॉन रेजिडेंट प्रोवाइडेड मनी इज बोरोड फॉर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। समझो समझो भूमि यूएस में रहती है,
भूमि ने इंडिया में कोई छोटा बिजनेस चालू किया और उसने ऑस्ट्रेलिया वाले से पैसा उधार लिया इंडिया वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो जो इंटरेस्ट पे करेगी वो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, क्योंकि भूमि कहाँ की है, यूएस की, यूएस की है, मतलब वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, उसने किसी से पैसा लेके इंडिया में इन्वेस्ट किया, तो जो भी वो इंटरेस्ट पे करेगी वो इंडिया में क्या माना जाएगा, डीम टू एक्रू और अराइज। वेरी क्लियर, समझे समझे, ये तीनों को ध्यान से रीड करो, ये इंटरेस्ट के नीचे वालों को, अगर ये तीनों लाइन आपको समझी ना तो नीचे के दो क्लॉज इमीडिएट समझ जाएंगे। लड़ाई झगड़ा रही प्लीज, बातचीत नहीं, ये विनय डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, समझ गया मैं, चलो पढ़ो अभी फटाफट। इंटरेस्ट का समझा अच्छे से? अच्छा, अभी ऐसे ही रॉयल्टी किस पे होती है, कोई पेटेंट कॉपीराइट किसी के ऊपर भी, तो अभी समझो कि भूमि ने कोई अच्छी किताब लिखी या कोई इन्वेंशन की, वो इन्वेंशन मैं यूज करना चाहता हूँ, तो मैं भूमि से वो इन्वेंशन मांगूंगा और भूमि को बदले में क्या दूंगा, बराबर। अब यहाँ पे जैसा इंटरेस्ट पड़ा वैसी रॉयल्टी, रॉयल्टी शैल बी डीम टू बी टैक्स्ड इन इंडिया इन फॉलोइंग केसेस। पहला, अगर गवर्नमेंट उस पर रॉयल्टी पे कर रही है, कौन पे कर रही है, कौन पे कर रही है, सरकार, गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट। दूसरा, अगर कोई रेसिडेंट पर्सन पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, बराबर, लेकिन एक टाइम पे टैक्स नहीं होगी, कौन से टाइम पे, जब उसने वो रॉयल्टी कोई फॉरिन में ही यूज करने के लिए ली है, जैसे पैसा फॉरिन में बोरो करने के लिए लिया था ना उसने यूज करने के लिए, वैसे ही रॉयल्टी कहाँ यूज कर रहा है, इंडिया के बाहर, तो उस केस में टैक्स इंडिया में नहीं होगा, बरोबर। तीसरा, अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने रॉयल्टी पे की है और उसने कब पे की है, जब वो रॉयल्टी वो इंडिया में यूज कर रहा है, कहाँ यूज कर रहा है वो, कहाँ यूज कर रहा है वो, इंडिया में, कहाँ यूज कर रहा है वो, देखो इंटरेस्ट की जैसे ये पूरा, बरोबर समझे। अभी आओ नीचे देखो, रॉयल्टी दिया है, रीड करो देखो, समझा रॉयल्टी, समझा। अब नीचे आओ नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 17 पे देखो, उसमें सेवेंथ पॉइंट दिख रहा है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज दिखा,
अभी ध्यान से सुनो, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट. कौन पे कर रहा है? कौन पे कर रहा है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पे करती है. तो उस केस में वो कहां टैक्स होगा? इंडिया में. दूसरा, कौन पे कर रहा है? रेजिडेंट पर्सन. पर एक सिचुएशन में टैक्स नहीं होगा, अगर उसने ये टेक्निकल सर्विसेज कहां यूज की है? आउटसाइड इंडिया. बराबर. तीसरा, नॉन रेजिडेंट पे करता है, लेकिन कब पे करता है? अरे वेरी गुड, राउंड ऑफ अप्लॉज. एक ही बार में समझ गए आप, वेरी गुड. फिर उसके बाद देखो एट्थ वाला क्लॉज. एट्थ वाला क्लॉज दिखा, एनी सम ऑफ मनी पेड बाय अ रेसिडेंट इंडियन टू अ नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट और फॉरिन कंपनी और टू रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ सेम इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56-10. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रेसिडेंट किसी भी नॉन रेसिडेंट को कोई चीज गिफ्ट देता है, क्या देता है? 56-10 में क्या आता है? गिफ्ट 50,000 से ज्यादा वैल्यू का, तो इंडिया में टैक्स हो जाएगा. तो कहां टैक्स होगा वो? इंडिया में. कहां टैक्स होगा वो? बरोबर. डायरेक्ट टैक्स लगेगा ना, इनडायरेक्ट क्यों लगेगा? गिफ्ट दे रहे ना हम उसको, गिफ्ट दे रहे तो उसके लिए इनकम हुई. इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लगेगा जरा आप मुझे ये समझाएंगे? समझे क्या? बरोबर से ये समझ में आया सबको? एवरीबडी. अच्छा अभी देखो, मैंने मेन क्लॉज पढ़ लिए, अब देखो ऊपर वाला, वो देखो बोल्ड में लिखा हुआ है, दिख रहा है? इन केस ऑफ क्लॉज 5, 6, 7, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शैल डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया अंडर दीज क्लॉजेस एंड शैल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम वेदर और नॉट सच नॉन रेजिडेंट हैज एनी रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया और सच नॉन रेजिडेंट हैज रेंडर्ड सर्विसेज इन इंडिया. अभी देखो हमने पैसा उधार लिया था, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस, ये तीनों के केस में हम किसी बाहर वाले को पैसा दे रहे हैं, इंडिया के बाहर वाले को, तो उसके हाथ में ये इनकम मानी जाएगी, चाहे वो इंडिया में रहता हो या ना रहता हो, चाहे वो इंडिया में काम करता हो या ना करता हो. बरोबर. ये लाइन का मीनिंग समझा? कौन से तीन केसेस में? इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस के केस में हम जो ये रॉयल्टी, टेक्निकल फीस, इंटरेस्ट किसी बाहर वाले को दे रहे, बाहर वाला मतलब इंडिया के बाहर वाले को, तो वो केस के अंदर वो इंडिया में टैक्स होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर दैट नॉन रेजिडेंट पर्सन लिव्स इन इंडिया और नॉट, वेदर उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है या नहीं है. बरोबर. समझे क्या? समझा. अब हम रॉयल्टी का मीनिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक है. ये देखो पेज नंबर 15 पे आ जाओ. करेक्ट. अब मेरे को सिर्फ रॉयल्टी का मीनिंग समझाना है, तो मैं सोच रहा हूँ रॉयल्टी का मीनिंग मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, अभी आज मैं क्वेश्चन करवाता हूँ थोड़े, क्योंकि क्या है रॉयल्टी का मीनिंग पढ़ाने में गड़बड़ हो जाती है. ये समझा सबको? तो आ जाओ पेज नंबर 23 पे. क्वेश्चन वन, आपको मैंने बताया था पीछे, याद है ब्रेटली वाला क्वेश्चन करवाया था, आपको बताया था पूरी थियरी लिखनी है पहले. क्या थियरी लिखनी है? एन इंडिविजुअल शैल बी रिगार्डेड एज रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाई वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन. नंबर वन बेसिक कंडीशन, नंबर टू बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन टू नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस, इंडियन सिटीजन वो सब, फिर 15 लाख वाला. करेक्ट. फिर इन गिवन केस, समझा? अगर वो रेजिडेंट हुआ तो फिर एडिशनल कंडीशन लिखने का, समझे? रेजिडेंट नहीं हुआ तो एडिशनल कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, समझे? समझा? क्वेश्चन वन रीड कीजिए. एक्स एन इंडियन सिटीजन लीव इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 20 इयर्स ऑन नवंबर 25th 2021. During calendar year 22, he comes to India on September 1 and stays for 20 days. During 23, he does not visit India at all, but comes to India on Jan 15, 24. Determine the residential status of X for assessment year 24-25. मैं चाहूंगा कि पहले आप नोटबुक में वो provisions लिखे जो इसके लिए relevant है. वो residential status के लिए लिखने पड़ते हैं ना, बिना देखे, बिना देखे, बिना देखे,
लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो क्या जी? कीजिए फटाफट, बिना देखे लिखना है, देखना नहीं है, इधर उधर पेस्ट टर्न नहीं करोगे। जल्दी जल्दी मनन विनय लिखो, बाद में सोल्यूशन करना, पहले कंडीशन लिखो। मुझे देखना है आपको प्रोविजन कितना आता है वो लिखने के लिए। नहीं, लिखना अलग बात, ओरली तो क्या बीच बीच में हिंदी चली जाती है। नहीं, अपन लिखो, मैं लिखे हुए चेक करूंगा आप कैसे ही लिखते हो, गलत लिखते हो। जल्दी जल्दी प्रोविजन लिखेंगे, लाइव वालों रिकॉर्डेड वालों आप भी लिखोगे प्रोविजन, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या गड़बड़ की। पहले को प्रोविजन तो लिख लो भाई मेरे, आंसर तो मैं बता दूंगा, पहले प्रोविजन तो करेक्ट होने दो आपका। लिखेंगे और मैं सबका आंसर खुद रीड करूंगा, पहले बोल रहा हूं मैं, और कोई देख के नहीं लिखेगा, चीटिंग नहीं करेगा। रिकॉर्डेड वालों, लाइव वालों, रिकॉर्डेड वालों, लाइव वालों लिखो, मैं अभी चेक करने जाऊंगा आंसर सबका। उम्मीद देख के नहीं लिखना है, बिना देखे।
वाल्के ट्रीवल ही नहीं करते, बेसिक एक्सेप्शन, एडिशनल तो बाद में आएगी। पूरा प्रोविजन मतलब पहले आप बेसिक लिखते हो, एक्सेप्शंस लिखते हो, फिर इन गिवन केस लिख के अगर वो रेजिडेंट हुआ तो एडिशनल लिखने का, अगर रेजिडेंट नहीं हुआ तो एडिशनल क्यों लिखने का। हाँ वो तो लिखना ही पड़ेगा ना। मैं सोचा आप वो वाला पूछ रहे हो, किसी का हुआ क्या? रिकॉर्डेड वालों अभी थोड़ी देर आपको मेरी आवाज आएगी, मैं जिस जिस के आंसर रीड करूंगा उसके, जिस जिसने लिख लिया, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये पहली तीन लाइन गलत है, पेंसिल दो, कितना खाओगे पेंसिल को। अरे स्टूडेंट इधर फॉर शॉर्ट रॉन्ग स्टार्ट, ड्यूरिंग आता है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 365 डेज और मोर, और मोर कौन दिखेगा टोटल इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, लैंग्वेज बरोबर नहीं है। कुछ अच्छे से नहीं लिखा आपने, नॉट हैप्पी, मनन हुआ क्या अपना? ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंडिविजुअल के लिए है, पर्सन के लिए नहीं। पर्सन बोला तो कंपनी फर्म सब हो गया, इंडिविजुअल और मोर ड्यूरिंग फोर प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ है। थोड़ा आंसर का क्वालिटी अच्छा नहीं, ये वर्ड गलत है, सेटिस्फाई वन और बोथ। ये भी गलत है, 182 डेज और मोर, अगर मोर देन लिखना है तो 181 डेज होगा। लास्ट वर्ड गलत है, ड्यूरिंग प्रीवियस, लास्ट प्रीवियस ईयर लिखा मतलब 23-24 नहीं, आप 22-23 की बात कर रहे हो जो गलत है। आपका आंसर चेक ही नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, क्यों बोल रहे हो आप दूसरे के आंसर में, वेरी बैड हैबिट। और मोर नहीं लिखा यहाँ पे, लैंग्वेज गड़बड़ है। रुको रुको, फ्रॉम नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लैंग्वेज बराबर नहीं, नॉट हैप्पी। दिखाओ वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन, वन ऑफ द बेसिक कंडीशन नहीं, वन और बोथ, वन और बोथ, सिक्सटी डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस इन नहीं, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 365 ड्यूरिंग फोर प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर बी नॉट माई रेजिडेंट फॉलो। हाँ ये जरूरत ही नहीं है अभी, ये जब रेजिडेंट होगा तब की बात है, ये गलत है। लीव्स इंडिया
ही लीव्स इन इंडिया, अच्छा, आपने ऐसे लिखा ही लीव्स इन इंडिया बट लीव्स द इंडिया फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। सेंटेंस बराबर नहीं है, इज इन यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे खाली सिटीजन है, सिटीजन तो लिखा ही नहीं है, कंडीशंस बराबर नहीं है। लाओ जल्दी जल्दी विनय मनन, इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का है, पर्सन का नहीं। पर्सन नहीं, इंडिविजुअल चल मोर देन नहीं, 182 डेज और मोर, फर्क होता है। मोर देन लिखना है तो 181 डेज लिखना पड़ेगा, 182 और मोर बोला मतलब 182 डेज रह गया तो भी रेजिडेंट हो जाएगा, और आपने मोर देन 182 लिखा मतलब 182 में रेजिडेंट नहीं हुआ वो। मैं पढ़ता हूँ ना, शुड स्टे इन इंडिया फॉर, डेज तो लिखे ही नहीं है अपन। हाँ वाह, सेकेंड कंडीशन में कितने दिन है, लैंग्वेज नॉट, आंसर भी रॉन्ग है और लैंग्वेज भी रॉन्ग है। लाओ भाई, वर्ल्ड फेमस अजमेर के मिस्टर विनय, पहली बात तो ये इंडिविजुअल के लिए है, पर्सन के लिए नहीं है। भाई साहब आपने लिखा है इफ अ पर्सन स्टेज, पर्सन मतलब इंडिविजुअल, HUF कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, इंडिविजुअल लिखने में प्रॉब्लम है। जो बहस करता है ना वो सक्सेस नहीं होता है, पहले बोल रहा हूँ आपको, बहस करता है वो सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि आप अपनी गलती छुपाने के लिए एक्सक्यूजेस दे रहे हो। आपको पता है एग्जाम देने के बाद आपको बुलाएंगे नहीं वहां पे कि विनय ये तुमने ये ऐसा क्यों लिखा, अरे सर वो ही और शी लिखा है ना मतलब ये है ऐसा, आपको सीधा रॉन्ग देंगे या राइट देंगे, ऐसे बुलाएंगे नहीं। आपके ये आंसर में आपने ये लिखा है इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा है मनन, आपने हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही, जरा बताओ, ऐसे नहीं पूछने वाले वो आप। डेज और मोर, एक्सेप्शन टू सेकेंड बेसिक कंडीशन, वो भी नहीं लिखा एक्सेप्शन सेकेंड, इंडियन शिप, हो गया बोल के उसमें लिखा हुआ था इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। आंसर्स क्वालिटी आर नॉट गुड, ऐसे आंसर लिखोगे ना मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क का आया ना, आप मान के चलो कि विनय को देगा 1 मार्क, 1.5 मार्क 8 में से, और अपन सबको 0.5 मार्क के ऊपर नहीं मिलेंगे, अपने को 0, क्योंकि आपने तो कंडीशन ही गलत लिखी है, और बाकी लोगों को 0.5 मार्क से ज़्यादा नहीं मिलेगा।
क्योंकि जो लैंग्वेज आपने लिखी है वो लैंग्वेज पूरी बकवास लैंग्वेज है. यू नीड टू राइट प्रॉपरली. मैं एक आंसर आपको डिक्टेट करूंगा, उसके बाद के सब आंसर्स में वैसा ही मुझे कंडीशंस चाहिए. लिखो नोटबुक में. और वो ऑब्वियसली जब डिक्टेट करूंगा तो क्या दीवालों को डिक्टेट करूंगा मैं? यही वाला लिखवाऊंगा मैं. हाँ, उधर जो अभी अपन ने लिखा है ना, लिखो माय आंसर ऊपर. अभी लिखो करेक्ट आंसर और सर्स आंसर. अभी जब लिखोगे तो लिखो करेक्ट आंसर और सर्स आंसर. जो ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं, आपको कुछ चीजें बता दूं मैं. जब अपन आंसर लिखते हैं ना, तब अभी मैं कंडीशंस बोलूंगा, तब आपको बताऊंगा ये लोग ने क्या क्या मिस्टेक की है. अभी इसका आंसर लिखोगे तो ऐसे चालू करोगे. एन इंडिविजुअल लिखो. एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेसिडेंट, इज सेट टू बी रेसिडेंट इफ इफ सच इंडिविजुअल, सच इंडिविजुअल सेटिस्फाइज या फुलफिल. सेटिस्फाई नहीं आता है. SATISFIES satisfies one or both. Satisfied any one, satisfies any one or both of the following basic conditions. Satisfies any one or both of the following basic conditions. नीचे लिखो. नंबर वन. नंबर वन कौन सा लिखोगे? अरे वन मतलब क्या लिखोगे? आई वाला वन लिखोगे ऐसा कि न्यूमेरिकल वाला लिखोगे? जो आपको लिखना है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लिखो उसमें. फुल चार्ज लिखो. नंबर वन, इंडिविजुअल शुड स्टे इन इंडिया. इंडिविजुअल शुड स्टे इन इंडिया फॉर 182 days और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. करेक्ट. नंबर टू, सेकेंड कंडीशन, इंडिविजुअल शुड स्टे इन इंडिया फॉर 60 days or more During previous year, and 365 days or more during four previous years, immediately preceding relevant previous year. Recorded वालों, live वालों सुन लो. इन लोगों ने individual की जगह person word लिखा. पहली चीज, during की जगह in word लिखा. तीसरी चीज, किसी ने previous year की जगह last year लिख दिया. चौथी चीज, 60 डेज और मोर की जगह सबने 60 डेज ही लिखा और मोर लिखा ही नहीं. थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर लिखा है, पर 60 डेज के आगे बहुत जन ने मोर नहीं लिखा है. आप समझे? तो इसीलिए फिर आंसर करेक्ट नहीं होता. अभी देखो, जब आप आंसर लिखते हो
तो एग्जामिनर वो आंसर रीड करके उसके दिमाग में एक ही कंक्लूजन आना चाहिए। आप लोगों ने जो आंसर लिखे ना उसमें समझ में नहीं पड़ रहा है, जब पर्सन लिख दोगे मतलब वो इंडिविजुअल के लिए नहीं, वो सबके लिए हो गया, क्योंकि इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन में सब आते हैं ना। तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, करेक्ट। पैराग्राफ चेंज, बेसिक कंडीशन टू इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। बेसिक कंडीशन टू इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। बेसिक कंडीशन टू इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। बराबर। नंबर वन, इंडिविजुअल, यहां पर भी आप लोगों ने पर्सन लिखा था, इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया, एल ई ए वी ई एस लीव्स इंडिया, एल ई ए वी ई एस लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट outside India or as a member, or as a member of, or as a member of CRIPU, 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 as a member of CRIPU of Indianship. नंबर टू, इंडिविजुअल, नंबर टू इंडिविजुअल हु इज इंडियन सिटीजन, इंडिविजुअल हु इज इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडियन ओरिजिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन डिफाइंड टर्म है, एक्ट में डिफाइन किया है उसको, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु स्टेज आउटसाइड इंडिया, हु स्टेज आउटसाइड इंडिया कम्स टू इंडिया, कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, comes to India during previous year on a visit, on a visit. Paragraph change, paragraph change. Paragraph change. However, however, such person having total income, जब हम ऐसा वर्ड लिखते हैं सच पर्सन, मतलब जो हम ऊपर की बात कर रहे हैं उनके बारे में बात चालू है यहाँ पे, फिर हाँ दोनों के बारे में, जब हम सच वर्ड लिखते हैं ना ऐसा, मतलब ये ऊपर वाले के लिए बात हो गई है, बरोबर। However, such person having total income, having total income, having total income from, from other than foreign sources, from other than foreign sources exceeding rupees 15 lakhs, exceeding rupees 15 lakhs during previous year, during previous year will be treated as resident, will be treated as resident
इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया इफ इफ सच पर्सन सेटिस्फाई इफ सच पर्सन सेटिस्फाई एनी वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एनी वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस नंबर वन Such person should stay in India. Such person should stay in India for 182 days or more. For 182 days or more during previous year. During previous year. Number two, such person should stay in India for at least 120 days. जब मैं at least 120 days लिखता हूँ, मतलब वो क्या हो गया? 120 days or more. जब मैंने at least word डाल दिया, तो 120 days or more हो गया वो. बराबर? At least word नहीं डालता हूँ, तो गलत हो जाता है फिर. समझे? Should stay in India for 120 days during previous year and at least 365 days during four previous years immediately preceding relevant previous year barabar samjha अभी तो बाकी है भाई अभी तो सिर्फ अपन ने एक प्रोविजन लिखा है क्वेश्चन के बारे में तो बात करेंगे हम लोग नीचे पैराग्राफ चेंज इन गिवन केस अभी एक बजी है भाई प्लीज इनकम्प्लीट कैसे करूंगा मैं प्लीज इन गिवन केस सुबह आए भी तो लेट थे सब्जेक्ट कोई टाइम पे नहीं थे आप लोग इन गिवन केस मिस्टर एक्स इज इंडियन सिटीजन हु स्टेज आउटसाइड इंडिया and during previous year comes for a visit in India during previous year Will stop. Therefore, X falls in exception two. And for Mr. X, basic condition two is not applicable. For Mr. X, basic condition two is not applicable.
फॉर मिस्टर एक्स बेसिक कंडीशन टू इज नॉट एप्लीकेबल फुल स्टॉप ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर Mr. X stays for 77 days. 77 days. 77 days. ब्रैकेट में लिखो 17 + 29 + 31 समझेगा ना 17 जनवरी के ये तो भी लिख लो जैन 29 फेब के और 31 मार्च के समझा 15 तारीख को आया ना वो तो आने वाला दिन इंक्लूड करेंगे फिंगर्स पे काउंट करो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 हो गए 17 दिन बरोबर फुल स्टॉप ये लिखा ही स्टेज इन इंडिया फॉर 77 डेज ब्रैकेट में लिखा देयरफॉर ऑब्वियसली हमारा प्रीवियस ईयर खत्म उसके बाद भी रहा है तो अगले साल काउंट होगा देयरफॉर मिस्टर एक्स हैज नॉट फुलफिल्ड बेसिक कंडीशन वन has not fulfilled basic condition 1 and so is non-resident in India during previous year 2023-24 23-24 since Mr. X is non-resident question of ordinary and not ordinary does not arise samjha अभी देखो मैंने पूरा प्रोविजन लिखा फिर नीचे कंक्लूजन लिखा समझाइए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए ये क्वेश्चन वन मैंने करवाया पूरा आपको अब क्वेश्चन वन में आप देखो आपको जो मैंने स्टार्टिंग में पूरी इन गिवन केस के ऊपर तक लिखा है उसको कितनी जगह लगी है किसी को एक किसी को डेढ़ जो भी लगा देख लो कितना लगा है सबको बराबर अब देखो क्वेश्चन टू इसके बाद अब आप क्वेश्चन टू लिखोगे ऐसा और वो पूरी कंडीशंस लिख के लाऊंगे जो मैंने आपको लिखवाई है बरोबर और उसके बाद नीचे जगह छोड़ोगे कितनी जगह छोड़ोगे आधे पेज से थोड़ा ज्यादा लगेगा इसमें कितना लगा था आपको इन गिवन केस का आधा पेज देखो जितना इसमें लगा है ना उससे 4 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है 5 लाइन एक्स्ट्रा छोड़नी है बरोबर लिख लो उधर पेंसिल से लिखो क्वेश्चन टू राइट कंडीशंस एंड लीव 5 लाइन्स मोर देन हाफ पेज बरोबर फिर उसके बाद वापस क्वेश्चन थ्री ऐसा हेडिंग लिखोगे और फिर वापस से पूरी कंडीशंस लिखोगे करेक्ट और उसके बाद में ऑलमोस्ट आधे पेज से थोड़ा ज्यादा छोड़ दो क्योंकि उसमें दो रिक्वायर्ड पार्ट है बरोबर फिर उसके बाद क्वेश्चन 5 लिखोगे बरोबर और क्वेश्चन 5 के लिए भी पूरी कंडीशंस लिख के लाओगे और उसके नीचे एक पेज छोड़ोगे कितना पेज छोड़ोगे और उसके बाद क्वेश्चन 6 वापस कंडीशन लिखोगे और एक पेज छोड़ दो बरोबर आया ना अब आपको ये कितनी बार लिखोगे आप 2, 3, 5, 6 और 8 के लिए भी पूरी कंडीशंस लिखनी है हाँ मैं आपको देखो बता देता हूँ क्या क्या करना है आपको इतना लिखोगे तब जाके याद होगा लिखने को जो आपने आज आंसर लिखे ना वो देखने के बाद मेरे को समझ गया आपको क्या आता है क्या नहीं आता है देखो क्वेश्चन टू अपना कंडीशंस प्लस
थ्री फोर पेज, बरोबर। क्वेश्चन थ्री कंडीशन प्लस थ्री फोर पेज, क्वेश्चन फाइव कंडीशन प्लस वन पेज, क्वेश्चन सिक्स कंडीशन प्लस वन पेज से थोड़ा ज्यादा लगेगा इसमें, वन एंड हाफ पेज। फिर क्वेश्चन एट कंडीशन प्लस हाफ पेज। अगर आप कल ये कंप्लीट करके नहीं लाए कंडीशंस लिख के, जैसा मैंने क्वेश्चन वन में लिखा है वैसा, मैं लेक्चर नहीं बिठाऊंगा, लेक्चर नहीं बिठाऊंगा। अगर आप लिख के नहीं लाए, आप लिखे नोटबुक घर पे भूल गए, सर मैंने लिखा, भाई ने फाड़ पेज फाड़ दिया, सर चाय गिर गई, सर आ रहा था एक्टिवा से मेरी बुक्स उड़ गई, सर किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया, कुछ भी एक्सक्यूज नहीं चलेगी। मेरे को सॉल्यूशन नहीं दिखा, मैं लेक्चर नहीं बिठा। ओके, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वालों आपको भी लिखना है, और आप लोग को फोटो लेना है तो इसकी फोटो ले लो, बाद में याद तो आपको रहेगा नहीं कुछ, सोच लो आप। तो रिकॉर्डेड वालों आपको भी लिख के लाना है, ताकि अपना कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, धन्यवाद, मिलेंगे कल, सब अच्छे से पढ़ के आना, आपका दिन शुभ रहे।